प्रभु यीशु में आज सबका धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच पास्टर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी लोग का प्रभु में फिर एक बार स्वागत करता हूं। इस देखने वाले वीडियो को ये वीडियो जो भी सभासद देख रहे हैं, मैं उन सबसे विनती करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार हमारे पास्टर संजय जेम्स ठाकुर जो है जो हमें सुनाते हैं, जो प्रभु यीशु का मार्गदर्शन हमें करते हैं, वो हम दूसरों तक इस फेसबुक यूट्यूब द्वारा हम दूसरों तक पहुंचा सके, ये मैं सभी सभासद और देखने वाले व्यूअर्स को मैं तहे दिल से विनती करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, हम फिर एक बार प्रभु परमेश्वर का एक साथ एक होकर एक आवाज़ में हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम उनका फिर एक बार स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज हमें ये जो अवसर दिया है कि हम फिर एक बार उनकी स्तुति कर सकें, उनकी प्रशंसा कर सकें। जो इस बीमारी से हम जो लड़ रहे हैं, ये केवल प्रभु परमेश्वर की कृपा है, जिस वजह से आज हम सब अपने अपने घरों में अपने स्थानों में सुखी हैं और सुरक्षित हैं। तो मैं सभी से विनती करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमारे पास्टर साहब ने हमसे हर एक वीडियो में आके वो हमसे कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमें कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना करें और पश्चाताप करें। तो फिर एक बार मैं वही बात आपसे दोहराते हुए आगे की ओर जाते हैं, और हम आज प्रभु परमेश्वर के समीप एक गीत द्वारा जाएंगे, वो है यीशु तू है महान। जी हाँ भाई और बहनों, हम सभी जो दिन ब दिन जो पाप करते हैं, जो अपराध करते हैं, इसके लिए जो हम पश्चाताप करके इस गीत द्वारा ये गीत हम प्रभु परमेश्वर को समर्पित करेंगे, और ये जो गीत है वो हमारा पश्चाताप, हम जो है जो मन फिराव जिसे कहते हैं, वो उसके लिए हम प्रभु परमेश्वर को विनती करेंगे। इस गीत द्वारा हम प्रभु परमेश्वर को विनती करेंगे कि हमारे अपराध जो है, वो हम जो पापी हैं, आप हमारे पापों की क्षमा करें, और आप ही एक केवल परमेश्वर हो जो हमें उद्धार दिलाते हैं। तो आइए भाइयों और बहनों, हम फिर एक बार एकजुट होकर एक आवाज़ में मेरे साथ ये आप गीत गाएंगे, ये आप सबसे विनती है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों पर बैठ के हम ये गीत प्रभु परमेश्वर को हम समर्पित करेंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में ते आँसू सब ने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय।
यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मैं पापों में डूबा ऐसा डूबा ऐसा डूबा, आंखों में थे आंसू सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार। मैं पापों में डूबा ऐसा डूबा ऐसा डूबा, सबने छोड़ा सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता हूँ, नफरत की दुनिया में तुम्हें ढूंढता हूँ। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, हम मनुष्य दिन ब दिन जो पाप अपराध करते हैं उसकी क्षमा मांगते हैं। आज इस गीत द्वारा हम प्रभु परमेश्वर को किए हुए अपराधों की किए हुए पापों की हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम केवल मनुष्य हैं और वो जो प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा करके जो हमारा उद्धार करते हैं हम उनका गौरव करते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम हमारे इस प्रार्थना के अगले चरण में जाते हुए मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार दें। प्रभु परमेश्वर की इच्छा प्रभु परमेश्वर का मार्गदर्शन वह हमें करें। मैं पास्टर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का वचन सुनाए। धन्यवाद।
नंतर प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पुनः एक बार अपनी भेंट, फिर एक बार हम इस दिन मिलते हैं बुधवार चौपस निमित्त, बुधवार के दिन सोशल मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुक द्वारा, फेसबुक के द्वारा अपनी भेंट, हमारा मिलना, अपनी सहभागिता, हमारा एक साथ आना, त्यावला मैं देवचन और धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। अपने सर्वांची उपस्थिति, हम सबकी उपस्थिति, वो इतरांची भी उपस्थिति, और बाकी कईयों लोगों की जो उपस्थिति है, सर्वांशमी सभीों का मैं, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री द्वारा या मध्य इसमें देवासा पुत्र प्रवेशी के द्वारे, प्रभु यीशु के पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा अपना आगत स्वागत करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। महत्व भाग है, जरूरी बात यह है, अपन सर्वजन, हम सभी लोग देवाच्या आज्ञा से पालन करता, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, सरकार से नियमन से पालन करता, सरकार के नियमों का पालन करते हैं, त्यावर आम्ही देव से धन्यवाद करता, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, घरात बसून प्रार्थना करते, हम घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, त्यावर आम्ही धन्यवाद करता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अनेक जन, कई लोग हा संदेश, ये सुसमाचार अनेकांना शेयर करते, कईयों के साथ ये शेयर करते हैं, अनेकांपर्यंत पोहोचतो होता है, कईयों को भेजते हैं, त्यावेळी आम्ही देवाचं धन्यवाद करता हूँ, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अनेक जन, कई सारे लोग कमेंट करते हैं, इस पे कमेंट कर रहे हैं, संदेशाला प्रोत्साहित करता है, इस संदेश को वो प्रोत्साहन कर रहे हैं, त्यावेळी आम्ही देवाचं धन्यवाद करता हूँ, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देव जो बोलतो ते होतो, परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं। ज्या देवाने मला या सोशल मीडियावर पाठवलं, उन्होंने मुझे इस सोशल मीडिया पे भेजा, त्या देवाच्या आज्ञेचं पालन करत, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, चार पांच संदेश अपन दर बुधवार ऐकले, चार से पांच संदेश जो है सुसमाचार हमने फेसबुक पे सुने, अनेक जन त्याला साथ देते, और कई सारे लोग इसे साथ दे रहे हैं, अनेक जन एकमेकाला शेयर करता है, कई सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं, गावातून शहरातून राज्यातून देशात पोहोचत आहे, गाँव में से, शहर में से, राज्य से ये संदेश घूम रहा है, त्यावेळी आम्ही देवाचं धन्यवाद करता, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते, देव जे बोलते ते होते है, परमेश्वर जो बोलते हैं वो कार्य हो रहा है, देवाचं आम्ही गौरव करतो, परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। आता पण पुष्कळ से लोग, आज हम देखते हैं कई सारे लोग, पुष्कळ से लोग कमेंट करता है, कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। शरद अल्लाट, शरद अल्लाट है, दया खरे, सिस्टर दया खरे, विवेक पाटोले, विवेक पाटोले, प्रीति खरात, प्रीति खरात, और कई सारे लोग जो है, अनेक जन कमेंट करते, त्यावेळी आम्ही देवाचं धन्यवाद देता हूँ, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। सर्वांचं तो आम्ही नाव घेऊ शकत नाही, सभीओं का हम नाम नहीं ले सकते, सर्वजन हे कमेंट करते, त्यावेळी आम्ही त्यांचे भी देवाच्या वतीने आभार मानता हूँ। सभी लोग जो कमेंट कर रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर से आप सबका धन्यवाद करते हैं, देवस्वामी गौरव करता और परमेश्वर का गौरव करते हैं। आज की हम उपस्थिति देवसमक्षता है, आज की उपस्थिति जो है हमारे परमेश्वर के सामने उपस्था है, आज के संदेश द्वारा, आज के संदेश द्वारा कई गोष्टी से बोध घेतो, कई सारी चीजों का हम कुछ चीजों का बोध लेंगे, जीवन मध्ये सर्वात गोष्टी कोणत्या गोष्टीला महत्व है, जीवन में किस चीज का महत्व है, हे आम्हाला समजलं पाहिजे, हे हमें समझना जरूरी, हे आम्हाला कळालं पाहिजे, हे हमें समझना जरूरी, यासाठी आपण देवाच्या वचनातून बोध घेणार आहोत, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के वचन द्वारा ये कुछ सीखेंगे। म्हणून आज आम्ही पाहतो, आज हम देखेंगे अपना सर्वांची उपस्थिती, हम सबकी उपस्थिती, मंडळीची उपस्थिती, मंडळी की उपस्थिती, तसे इतरांची उपस्थिती, वैसे ही और बाकियों की उपस्थिती, त्यावेळी आम्ही देवाचं धन्यवाद करता, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, आपली सहभागिता, हमारी एकता आदरणीय, ये आदर के काबिल है, प्रशंसनीय, ये प्रशंसा के काबिल है, आनंद देनारी है, और ये आनंद देने वाली है, त्यावेळी आम्ही देवाचं धन्यवाद करता, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आम्ही मागील आठवड्यात आम्ही पाहिलं, आज और पिछले सप्ताह हमने देखा कि देवाच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेतो, प्रभु परमेश्वर के वचन द्वारा हम कुछ चीजें जो सीखते हैं, देवाच्या आत्मेने मला सांगितलं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया, मी संजय ठाकूर, मैं संजय ठाकूर, उर्फ उर्फ यहोशुआ, जोशुआ, यहोशुआ, जोशुआ, ज्या नावाने देव मला हाक मारतो, जिस नाम से परमेश्वर मुझे पुकारते हैं, ते देवाने मला सांगितलं, उस परमेश्वर ने मुझे बताया, हा अंतिम समय नाही, ये अंतिम वक्त नहीं है, हा तारणाचा समय है, ये उद्धार का समय है, संधि साधून घ्या, ये अवसर आप ले, साधून घ्या, इसे आप उपलब्ध करें, तारण प्राप्त करून घ्या, उद्धार कर लें,
तारणाची खात्री प्राप्त करून घ्या और तार उद्धार का आप निश्चित आले. ही कोरोना व्याधी ने जगात भय आणले. जो कोरोना बीमारी ने जो डर फैला हुआ पूरे संसार में, या देवाचा हात आहे. इसमें परमेश्वर का हाथ है. दिवस वाईट आहे, दिन बुरे हैं, पण देवाची इच्छा आहे. लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, आम्ही देवाकडे जाओ. हम परमेश्वर की ओर जाएं. देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दे. देवाकडून तारण प्राप्त करून घ्यावा. परमेश्वर से उद्धार कर ले. देवाचा पुत्र व्हावे. परमेश्वर का पुत्र बने. देवाच्या जीवनी पुस्तकात नोंदणी व्हावी. जीवन की पुस्तक में हमारा नाम हो. देवाचे वारिस व्हावे. परमेश्वर के वारिस हम बने. हे देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. ये देवाची योजना है. ये परमेश्वर की योजना है. हा देवाचा संकल्प है. ये परमेश्वर का संकल्प है. हा अंतिम समय नाहीच आहे. ये अंतिम समय नहीं है. हा कृपेचा काळ आहे. ये कृपे का समय. हा दयेचा काळ आहे. ये दया का काल है. देव कोरोना व्याधीतून देशाला मुक्त करेल. कोरोना बीमारी से परमेश्वर इस देश को मुक्त करेंगे. देव म्हणला कसला घाबरू नका. परमेश्वर ने कहा किसी से भी मत डरिए. कसला भिऊ नका. किसी चीज से मत डरिए. कशाची काळजी करू नका. किसी चीज की चिंता मत करिए. मी आहे. मैं हूँ. मी यातून तुम्हाला मुक्त करण. मैं इसमें से आपको मुक्ति दूंगा. यातून मी तुम्हाला अनुभव देईन. इसमें से मैं आपको अनुभव दूंगा. देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन है. स्तोत्र 34:8 मध्ये, भजन संहिता 34:8 में, परमेश्वर किती चांगला याचा अनुभव घ्या. परमेश्वर कितना अच्छा है इसका अनुभव ले. त्याच्यावर विश्वास ठेवा. उस पर विश्वास रखे. अनुभव घ्या. अनुभव ले. देवाचा अनुभव घ्या. परमेश्वर का अनुभव ले. देव किती चांगला आहे. परमेश्वर कितने अच्छा है. त्याशिवाय चांगलं कोणीच नाही. उनसे अच्छा और कोई नहीं है. उत्तम ते देवापासून येते. उत्तम है वो परमेश्वर से प्राप्त होता है. उत्तम ते स्वर्गातून येते. उत्तम जो है स्वर्ग से मिलता है. विकार नाही, त्यात आजार नाही, त्यात बिघाड नाही. उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई बीमारी नहीं, उसमें कोई बिगड़ा नहीं. ते शुद्ध असतं. वो शुद्ध है. ते पवित्र असतं. वो पवित्र आमच्या जीवनासाठी उपयुक्त असत. वो हमारे जीवन के लिए उपयोग है. यासाठी इसलिए आम्ही बोध घेतो. हम सीखते हैं कि हा अंतिम समय नाही आहे. ये अंतिम वक्त नाही आहे. हा देवाच्या कृपेचा काळ आहे. ये परमेश्वर की कृपा का काल है. या कृपेचा काळाचा मी संधी साधून घेतली पाहिजे. इस कृपे का काल में हमने ये अवसर उठाना चाहिए. मागील आठवड्यात पाहिलं, पिछले सप्ताह हमने देखा, ज्यावेळेस देव आम्हाला भेटला, जब परमेश्वर हमें मिले, देवाच्या वचनातून त्याने आम्हाला सावध केलं. परमेश्वर के वचन से उन्होंने हमें सावधान किया. परमेश्वरला आम्ही विचारलं. परमेश्वर को मैंने पूछा, परमेश्वर आमची परिस्थिती अशी काय आहे. परमेश्वर हमारी स्थिति आज ऐसी क्यों है. आमची स्थिति काय बदलत नाही. हमारी परिस्थिति आज क्यों नहीं बदल रही. आमचं परिवर्तन का होत नाही. हमारा परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा. आम्ही सफल का ना आहोत. हम सफल क्यों नहीं हो रहे. आम्ही यशस्वी का ना आहोत. हम क्यों असफल है. आम्ही कष्ट करतो, काम करतो. हम कष्ट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं. आम्हाला बरकत नाही. हमें बरकत क्यों नहीं मिल रही. आम्हाला शांति नाही. हमें शांति क्यों नहीं है. आम्ही सुखी नाहीये. हम सुखी क्यों नहीं है. आम्ही भयभीत जीवन जगतो. हम क्यों डरे हुए हैं. आम्ही अस्वस्थ आहो. हम बेचैन क्यों है. का आमची अशी परिस्थिती आहे. क्यों आज हमारी ऐसी परिस्थिती है. आम्ही प्रार्थना करतो. हम प्रार्थना करते हैं. आम्ही 40 दिवस उपवास करतो. हम 40 दिन उपवास करते हैं. आम्ही दान देतो. हम दान करते हैं. आम्ही चर्चला जातो. हम चर्च जाते हैं. सर्व धार्मिक कर्मकांड करतो. हम सब धार्मिक कार्य करते हैं. तरी प्रभु आमची परिस्थिती अशी का. फिर भी आज हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है. तू का आमचं ऐकत नाही. क्यों आप हमारी नहीं सुन रहे. आमचं घराचं बदलाव का होत नाही. हमारे परिवार का घर का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा. आमची परिस्थिती बिघडत गेली. हमारी परिस्थिति बहुत बिकट हो रही है. आमच्या कुटुंबाची दुर्दशा झाली. हमारे परिवार की दुर्दशा हो रही है. धुळीस मिळून गेलं आमचं कुटुंब. हम धूल में मिल चुके हैं. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तब तुम्हें मिलेगा. देवाने आम्हाला सांगितलं. परमेश्वर ने मुझे कहा तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी. आपके पापों द्वारा आपकी परिस्थिती ऐसी है. याला कारणीभूत तुम्ही आ. इसके लिए केवल आप कार्यरत हो. तुमच्या चुकामुळे तुम्ही या परिस्थितीत सापडला. आप लोग की गलतियों की वजह से आप इस अवसर में मिले हो. देवाने आम्हाला जागृत केलं. परमेश्वर ने हमें जागृत किया की तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी. तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिती आज अशी. त्यामुळे तुम्ही बाहेर येत नाही. इसलिए तुम लोग इसमें से बाहर नहीं आ रहे. यस टाइम पाहतो की आम्ही देवाला प्रार्थना केली. इसलिए हमने परमेश्वर को प्रार्थना की थी. आम्ही आता आम्ही काय करावे. की हम इसमें से निकलने के लिए क्या करें. यासाठी आम्ही काय करावे. इसलिए हम क्या करें. देवाने आम्हाला सांगितलं. परमेश्वर ने हमें बताया. पश्चाताप करा. पश्चाताप कीजिए. बाकी सर्व बंद करा. बाकी सब बंद कर दीजिए. पश्चाताप करा. मन फिराओ. देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दो. आपल्या पापाची देवाला क्षमा मागा. हमारे पापों के लिए परमेश्वर को क्षमा मांगो. देव तुम्हाला प्राप्त होईल. परमेश्वर हमें मिलेंगे. ये सर्व बदलेल. ये सब बदल जाएगा. सुनते कारण नवीन गोष्टी येतील. पुरानी बातें निकाल के परमेश्वर नई चीजें हमें डालेंगे. तुम्हाला मुक्त करेन. परमेश्वर हमें मुक्त करेंगे. या पापामुळे तुमची परिस्थिती. इस पापों के कारण हमारी परिस्थिती है. त्यातून देव तुम्हाला बाहेर काढेल. इसमें से परमेश्वर हमें बाहर निकालेंगे. तुम्हाला नव जीवन देईन. हमें नया जीवन देंगे. सर्व नवीन देईन. सब कुछ नई चीजें. हे देवाचं अभिवचन होतं. ये परमेश्वर का अभिवचन है. हमें पश्चाताप केला. हमें पश्चाताप किया. आम्ही देवाची क्षमा मागितली. हमने परमेश्वर को क्षमा मांगी. आम्ही देवाचा धावा केला. हमने परमेश्वर को दुहाई दी. देवाने आमची प्रार्थना ऐकली. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी. आमच्या पापाची क्षमा केली. हमारे पापों की क्षमा की. आमचं घराचा उद्धार केला. और हमारे घर का उद्धार किया. आमचं तारण केलं. हमारा उद्धार किया. आमचं जीवन बदललं. और हमारा
जीवन बदल दिया, हळूहळू सर्व बदललं, धीरे धीरे सब बदल दिया, घरात शांती आली, घर में शांती आई, घरात आनंद आला, घर में आनंद आया, घरात आशीष आले, आशीर्वाद आए, घरात देव आला, परमेश्वर घर में आए, घर सुरक्षित झालं, घर सुरक्षित हुआ, उत्तम ते देवापासून प्राप्त झालं, उत्तम जो है परमेश्वर से प्राप्त हुआ, घरचं वातावरण बदलून गेलं, घर का पूरा वातावरण बदल गया, धुळीतून काढून ते हिरोळी आणून ठेवलं, धूल में से उठा के उन्होंने अच्छे स्थान पे हमें लाके रखा, चांगली स्थिति चांगला समय देवाने आणला, अच्छी स्थिति अच्छा वक्त परमेश्वर ने लाया, देवच करू शकतो, ये केवल परमेश्वर कर सकते हैं, यासाठी आज आम्ही बोध घेतो, इसलिए आज हम सीखते हैं, पश्चाताप म्हणजे काय, मन फिराव मतलब क्या, पश्चातापचा अर्थ काय, मन फिराव का मतलब क्या है, देव आम्हाला पश्चाताप कला का सांगतो, परमेश्वर हमें मन फिराने के लिए क्यों कहते हैं, पश्चाताप कसा करायचा, मन फिराना कैसे करना है हमें, देवाचा धावा कसा करायचा, परमेश्वर दुहाई कैसे करनी है, हे आम्ही शिकलो पाहिजे, ये हमें सीखना है, आज बाइबल मधून आम्ही पाहणार आहोत, आज हम बाइबल में से सीखेंगे, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, सबसे महत्व की चीज है, आम्ही 14 वर्ष अरण्यात काढले, हमने 14 साल जंगल में बिताए, आम्हाला देव सापडला नाही, हमें परमेश्वर नहीं मिले, आम्हाला देव भेटला नाही, हमें परमेश्वर प्राप्त नहीं हुए, आम्ही येशूला ओळखत होतो, हम परमेश्वर को पहचानते थे, येशूचा धावा करत होतो, हम परमेश्वर को दुहाई करते थे, येशूच्या नावाने प्रार्थना करत होतो, प्रभु येशू के नाम से हम प्रार्थना करते थे, उपवास करत होतो, हम उपवास करते थे, दान देत होतो, हम दान करते थे, बाइबल वाचत होतो, बाइबल पढ़ते थे, सर्व धार्मिक कर्मकांड करत होतो, सब धार्मिक कार्य करते थे, तरी देव आमचं ऐकत नव्हता, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, आम्ही येशूला ओळखत होतो, हम परमेश्वर को जानते थे, पण येशू आम्हाला ओळखत नव्हता, लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते नहीं थे, ये सवाल है, लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, स्मरणात ठेवा, याद रखिए, ध्यान रखिए और स्मरण कीजिए, देव काय म्हणतो, परमेश्वर क्या कहते हैं, आम्ही देवाला ओळखतो, हम परमेश्वर को पहचानते हैं, देव आम्हाला ओळखतो का, लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते है क्या, देवाला देवाची आम्हाला माहिती आहे, परमेश्वर की पहचान हम में है, देव आम्हाला ओळखतो का, लेकिन परमेश्वर हमसे परिचित है क्या, बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, मत्ती 7:21 प्रभुजी म्हणण्याचा स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होणारच नाही, प्रभुजी कहने वाले लोगों का स्वर्ग में प्रवेश होना मुश्किल है, त्यावेळेस पुष्कळशी लोक म्हणतील, तब कई सारे लोग बोलेंगे, आम्ही प्रार्थना केली, हमने प्रार्थना की, आम्ही तुझी सेवा केली, हमने आपकी सेवा की, आम्ही दान धर्म केले, हमने कई सारे दान किए, हमने उपवास किए, अनेक गोष्टी केल्या, आम्ही हमने कई सारे चीजें की, तरी येशू किस त्यांना म्हणाला, लेकिन प्रभु येशू ने उन्होंने कहा, मी तुम्हाला ओळखत नाही, मैं आपको नहीं पहचान, माझी तुमची ओळखच नाही, मेरा और आपका कोई परिचय नहीं है, लक्षात ठेवा, याद रखिए, ते म्हणले की प्रभु आम्ही तुला ओळखतो, उन्होंने कहा हे प्रभु हम आपको पहचानते हैं, येशू किस म्हणला मी तुम्हाला ओळखत नाही, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कह दिया मैं आपको नहीं पहचानता, बस पासून दूर व्हा, मुझसे आप दूर रहिए, ही स्थिती आमच्या कुटुंबाची होती, ये परिस्थिती मेरे परिवार की थी, आम्ही देवाचा धावा करत होतो, हम परमेश्वर को दुहाई करते थे, प्रार्थना करते थे, देवासाठी पुष्कळशी गोष्टी केल्या, परमेश्वर के लिए हमने कई सारे चीजें की, देव म्हणला मी तुम्हाला ओळखत नाही, परमेश्वर ने कहा मैं आपको नहीं पहचानता, आम्ही देवाला ओळखतो, हम लोग परमेश्वर को पहचानते थे, पण देव आम्हाला ओळखत नव्हता, लेकिन परमेश्वर तभी हमें पहचानते नहीं, बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, निर्गमन 33:17 देव मोशीशी बोलतो, परमेश्वर मूसा से बात करते थे, देव काय म्हणतो, परमेश्वर क्या कहते हैं, नीट लक्ष द्या, ठीक से सुनिए, मूसा तू जी मला विनंती करतो, तुम जो मुझसे विनती करते हो, मी वेळोवेळी ऐकतो, मैं समय समय पे सुनता हूं, जे मला सांगतो, तुम जो मुझसे बोलते हो ते मी करतो, वो मैं करता हूं, कारण का, क्योंकि माझी कृपा दृष्टी तुझ्यावर आहे, मेरी कृपा तुम पर है, मी तुला, मैं तुम्हें व्यक्तीच्या नावाने ओळखतो, व्यक्तिमत्व से मैं तुम्हें पहचानता हूं, माझा तुझा परिचय, मेरा और तुम्हारा परिचय है, माझी तुझी ओळख आहे, हम एक दूसरे से परिचित हैं, देव काय म्हणतो, परमेश्वर क्या कहते हैं, मोशी मी तुला ओळखतो, मूसा मैं तुम्हें पहचानता हूं, मोशी काय म्हणतो, मूसा क्या कहते हैं, मी देवाला ओळखतो, मैं परमेश्वर को पहचानता हूँ, देव भी म्हणतो मी मूसाला ओळखतो, परमेश्वर भी कहते हैं मैं मूसा को पहचानता हूँ, ही ओळख आहे, ये पहचान है, ओळख आहे, ये परिचय है, ओळख येते देवाणघेवाण आहे, ये परिचय है, तब हम लेन देन कर सकते हैं, ओळख येते दळणवळण आहे, जब पहचान है तब हम एक दूसरे लेन देन कर सकते हैं, बोला साली, ये एक दूसरे से बोल सकते हैं, मेल मिलाप है, ये मिलाप है, ओळख नाही तर काहीच नाही, पहचान नहीं है तो कुछ नहीं है, अनोळखी व्यक्तीशी आम्ही संबंध ठेवू शकत नाही, हम जिस व्यक्ति को पहचानते नहीं हम उसे संबंध नहीं रख सकते, अनोळखी आमचं व्यक्ति ऐकून घेऊ शकत नाही, जो व्यक्ति हमें पहचानता नहीं वो हमारी बातें सुन नहीं सकता, ओळख पाहिजे, इसलिए पहचान होनी जरूरी है, देव म्हणाला, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा, मी तुला ओळखतो, मूसा मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हाला सांगतो मी ते करतो, जो तुम मुझसे विनती करते हो वो मैं करता हूँ, ही ओळख आहे, ये पहचान है, आम्ही येशूला ओळखतो, हम येशू को पहचानते हैं, येशूच्या नावाने सर्व गोष्टी करतो, येशू के नाम से हम सभी चीजें करते हैं, तो मान्य करतो का, लेकिन वो मान्य कबूल करते हैं, देतो, हम देते हैं, देव घेतो का, लेकिन परमेश्वर लेते हैं क्या, करतो, हम करते हैं, पण तो मान्य करतो का, लेकिन वो उसे कबूल करते हैं क्या, ये आमची भुलवणूक झाली, ये हमारी फसवणूक होती है, आमच्या कुटुंबाची भुलवणूक झाली, ये हमारी परिवार जो है वो
अलग मार्ग पे चले गए थे. ये हमारी समझ थी, हम परमेश्वर को पहचानते हैं, पेशुलकत न होता, लेकिन तभी परमेश्वर हमें पहचानते नहीं थे. हे सफर महत्व से ये जरूरी बात है. बाइबल संगत बाइबल कहती है प्रेषित कृत्य प्रेरितों का कार्य धवाध्यामधी दसवा वचन एक व्यक्ति करनेला त्याचं नाव आहे. करनेला उसका नाम है. तो रात्रंदिवस देवाचा धावा करतो. वो रात अंधेर परमेश्वर को दुहाई कर रहा. देवाच्या आज्ञेचं पालन करतो. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था. तो नित्य नियमाने देवाच्या बरोबर चालतो. वो नियम से परमेश्वर के साथ चलता था. तो दान धर्म करतो. वो दान धर्म करता था. एके दिवशी देव देवदूतला पाठवतो. एक दिन परमेश्वर अपना दूत उसके ओर भेजते हैं. देवदूतने त्याला सांगतो. परमेश्वर का दूत उसे बात करता है. करनेला तुझी प्रार्थना करतो. तुम जो प्रार्थना करते हो. तुझे दान धर्म करतो. तुम जो दान करते हो. तू देवा मुझे जे करतो. जो तुम परमेश्वर के लिए करते हो. हे सर्व देवाला मान्य है. ये परमेश्वर को कबूल है. ये देवाला पसंद है. ये परमेश्वर को पसंद है. हे देवाने स्वीकार केला है. ये परमेश्वर ने इसका स्वीकार किया है. देव तुझे आठवण करतो. परमेश्वर ने तुम्हें इसके लिए याद किया है. ही खात्री ये खात्री है. ये संपत्ति है. ये उसकी संपत्ति है. कलसियों का पत्र दो दो में पौल का मानतो. पौल कहता है तुमच्या जवळ तुम्हारे पास देवा संबंधी परमेश्वर के द्वारा ज्ञानाची ज्ञान की खात्री संपत्ति पाहिजे. खात्री और संपत्ति होनी जरूरी. मला खात्री झाली पाहिजे. हमें निश्चित होना जरूरी है. माझं तारण झालंय. मेरा उद्धार हुआ है. माझ्या पापाची क्षमा झाली आहे. मेरे पापों की क्षमा हुई है. मला जीवन भेटलेलं आहे. मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है. देवाने मला आशीष दिलेले आहे. परमेश्वर ने मुझे आशीष दिए हैं. देव माझ्या बरोबर आहे. परमेश्वर मेरे साथ है. करनेला देवाने आठवण करून दिली. करनेला को परमेश्वर ने इसकी याद करके दी. त्याला खात्री दिली. उसको निश्चितता करके दी. देव तुझे सर्व गोष्टी स्मरण करतो. परमेश्वर सभी चीजें आपकी याद करते हैं. देव ते मान्य करतो. परमेश्वर उसे कबूल करते हैं. देव मोशेला म्हणाला. परमेश्वर ने मूसा को कहा तुझे सर्व गोष्टी मी मान्य करतो. तुम्हारी सभी चीजें मैं कबूल करता हूँ. देव पौलाला म्हणाला. परमेश्वर पाउल को कहा तुझे गोष्टी मी ऐकून घेतो. तुम्हारी सभी बातें मैं सुनता हूँ. तसे मीच करतो. वैसे मैं करता हूँ. बंधुजनो बंधुओ मोशे काय दावीद काय अब्राहम काय मूसा क्या दावीद क्या और इब्राहिम क्या पाउल काय और पाउल क्या ये आम्ही सम भावनेचे माणसं आहो. हम एक जैसे ही मनुष्य है. तो देव त्यांच्यावर होता. वही परमेश्वर उनके साथ था. तो देव आज आमच्यावर आहे. वही परमेश्वर आज हमारे साथ. देव आमची आज प्रार्थना ऐकतो का. परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं क्या. आमची खात्री संपत्ति आमच्याजवळ आहे का. इसकी निश्चितता आज हमारे पास है क्या. देव आमच्यावर आहे का. परमेश्वर आज हमारे साथ है क्या. खात्री करून घ्या. ये हम निश्चित है क्या. मी म्हणत नाही नाही आहे. मैं ये नहीं बोल रहा की नहीं है. है असणार रहेंगे नसणार भी नहीं भी हो. माझ्या कुटुंबाची सैतानने फसवणूक केली. मेरे परिवार को सैताने बुरी तरह से फसाया था. अरण्य 14 वर्ष आम्ही काढले. हम जैसे जंगल में 14 साल बिताए थे वैसे हम 14 साल बिताए थे. देव आम्हाला ओळखत नव्हता. परमेश्वर हमसे परिचित नहीं थे. आमचे वडील जेम्स ठाकूर मेरे पिताजी जेम्स ठाकूर ते म्हणाले. उन्होंने कहा 50 वर्ष माझे फुकट गेले. मेरे 50 साल ऐसे ही निकल गए. मला देव नाही समजला. मुझे परमेश्वर नहीं समझ आया. मला माझी देवाची ओळख नव्हती. मेरे और परमेश्वर की पहचान नहीं थी. देवाची माझी देवाणघेवाण नव्हती. मेरे और परमेश्वर का कुछ लेन देन नहीं होता था. मी देवाला ओळखत होतो. मैं परमेश्वर को पहचानता था. पण देव मला ओळखत नव्हता. लेकिन परमेश्वर मुझे पहचानते नहीं थे. मी देवाला सर्व देण्याचा प्रयत्न केला. मैं परमेश्वर को सभी चीजें देने की मैंने कोशिश की. देव घेत नव्हता. लेकिन परमेश्वर नहीं ले रहे थे. हेच फार महत्त्वाचा भाग. यही तो जरूरी बात. आज आम्ही शास्त्रातून तेच पाहतो. आज हम बाइबल में से वही देखेंगे. देव आम्हाला काय सांगतो. परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं. देवाची इच्छा काय. परमेश्वर की इच्छा क्या है. देवाच्या कार्याची सुरुवात कुठून होते. परमेश्वर की कार्य सुरुवात कहां से होती है. आमच्या जीवनाची देव संबंधी प्रारंभ कुठून करायचा. हमारे जीवन का प्रारंभ परमेश्वर से कहां से होता है. शाळेत आम्ही गेल्यानंतर हम जब पाठशाला में जाते हैं. शाळेचा प्रारंभ पाठशाला का जो प्रारंभ होता है एबीसीडी ने होतो. वो एबीसीडी से होता है. आम्ही देवाचा प्रारंभ कुठून होतो. इसलिए परमेश्वर का प्रारंभ कहां से है. बाइबल सांगतो. बाइबल कहती है नीतिवचन 9:10 नीतिवचन 9:10 में परमेश्वरचं भय म्हणजे ज्ञानाचा प्रारंभ. परमेश्वर का भय व ज्ञान का प्रारंभ है. परम पवित्र देवाला ओळखणे हेच खरं ज्ञान आहे. परम परमेश्वर परम पिता को पहचानना यही पहला ज्ञान है. बाइबल सांगतो. बाइबल कहती है देवाला ओळखणे हेच खरं ज्ञान आहे. परमेश्वर को पहचानना यही प्रथम ज्ञान आहे. देवाला ओळखण्यासाठी आम्ही काय केलं पाहिजे. परमेश्वर को पहचानने के लिए हमें क्या करना जरूरी है. यासाठी देवाने येशू ख्रिस्ताला पाठवला. इसलिए परमेश्वर ने प्रभु येशु को भेजा. येशू ख्रिस्ताने कार्याची सुरुवात केली. प्रभु येशू ने कार्य करना चालू किया. मत्ती 4:17 येशू किस बोलायला लागला. प्रभु येशू बोलने लगे. तो म्हणला सर्व बंद करा. प्रभु येशु ने कहा सब बंद करो. सर्व थांबवा. सब कुछ रोक दो. तो म्हणला पश्चाताप करा. उन्होंने कहा मन फिराइए. देवाचं राज्य जवळ आलंय. परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है. हा येशूने कार्याची सुरुवात केली.
देखिए प्रभु येशू ने इस कार्य की शुरुआत की. त्याला माहिती आहे की मनुष्याला कोणत्या गोष्टीची आवश्यकता आहे. उनको मालूम था की मनुष्य को किस चीज की आवश्यकता है. त्यांनी सुरुवात केली. उन्होंने शुरुआत की की पश्चाताप करा. मन फिराओ. देवाचे राज्य तुमच्या जवळ आहे. परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ रहा है. बाकी त्यांनी काय सांगितलं नाही आम्हाला. बाकी उन्होंने हमें कुछ नहीं सिखाया. त्या नंतरच्या गोष्टी आहे. वो इसके बाद की बात आहे. तुम्हाला सर्व थांबवा. उन्होंने कहा सभी सबसे पहले सब रोकिए. तुम्ही कधी पश्चाताप केला का. आपने कभी पश्चाताप किया क्या. देवाचा धावा केला का. आपने परमेश्वर को दुहाई की क्या. देवाकडे जाऊन आपल्या पापाची क्षमा मागितली का. परमेश्वर की ओर जाके आपने पापों की क्षमा मांगी क्या. पश्चाताप म्हणजे काय. मन फिराना मतलब क्या है. येशू की वेळी पश्चाताप केला उपदेश मध्ये पश्चाताप केला आम्हाला सूचना देत होतो. हर सुसमाचार में परमेश्वर हमें मन फिराने के लिए सिखाते हैं. बाइबल मध्ये. बाइबल में 70 वेळा 70 बार पश्चाताप करावे ती वेळोवेळी सूचना दिलेली आहे. मन फिराव ये 70 बार प्रभु येशू ने बाइबल में कहा है. ये आम्ही पाहतो. इसमें हम देखते हैं कि बाइबल सांगतो. बाइबल कहती है ज्यावेळेस येशू की वधस्तंभावर गेला. जब प्रभु येशू को क्रूस पे दिया गया. मरण पावला. वो मौत के बल गए. तीसरे दिवशी पुन्हा उठला. तीसरे दिन वो हमारे लिए वापस जीवित हुए. अनेक लोकांना त्यांनी दर्शन दिलं. कईयों को उन्होंने दर्शन दिया. पेंटिकॉस्टच्या दिवशी. पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मेनुसार तो प्रकट झाला. पवित्र आत्मे के द्वारा वो प्रकट हुए. त्यावेळेस पेत्रने संदेश दिला. उस वक्त पेत्रस ने संदेश सुसमाचार दिया. ज्या येशूला. जिस येशू को. तुम्ही वधस्तंभी क्रूस मारले. आपने क्रूस पे टंगा के मारा. तो येशू प्रभु ख्रिस्त आहे. वही प्रभु येशू ख्रिस्त आया है. तो देवाचा पुत्र आहे. वही प्रभु येशू का पुत्र है. तो आमचं तारणार आहे. वही हमारा उद्धार करने वाला प्रभु है. त्यावेळेस पुष्कळसे लोक समुदाय जमले होते. कई सारे लोग तभी जमे होते. प्रेषित कृत्य 2:37 मध्ये पाहतो आम्ही. प्रेरितों के कार्य में हम 2:26 में देखते हैं. पुष्कळसे लोक जमले होते. कई सारे लोग जमे थे. पुष्कळसे लोक समुदाय होता. कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे. पेत्र ने संदेश दिला. पत्रस संदेश दे रहे थे. लोकांनी तो संदेश ऐकला. लोगों ने वो सुसमाचार सुना. लोकांच्या अंतकरणात चुटपुट लागली. लोगों के अंतकरण उनका परिवर्तन होने लगा. देवाला भेटण्याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली. परमेश्वर को मिलने के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ गई. बाइबल सांगते की त्यांच्या अंतकरणात देवाला भेटण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. बाइबल कहती है उनके अंतकरण में परमेश्वर को मिलने की उत्सुकता बढ़ गई. त्यांनी देवाच्या सेवकाला विचारलं. उन्होंने परमेश्वर के सेवक को पूछा. बंधुजनो. बंधु हो. आता आम्ही काय करायचं. अभी हमें क्या करना चाहिए. आता आम्ही सुरुवात कशी करायची. हम इसकी शुरुआत कहां से करें. पेत्राला त्यांनी प्रश्न केला. पत्रस को उन्होंने सवाल किया. जो येशू की तारणार आहे. जो ईसा मसीह जो तारणहार है. तो देवाचा पुत्र है. वो परमेश्वर का पुत्र है. तो आमचा मध्यस्थ है. वो हमारा जो है मध्यस्थी है. त्याच्याकडे आम्ही कसे गेलं पाहिजे. वो हम उसकी ओर कैसे जाएं. त्याची भेट कशी होईल. हम उसको कैसे मिले. आता आम्ही सुरुवात कुठून करायची. आज हम सुरुवात कहां से करें. हे प्रश्न त्यांनी पेत्राला विचारला. हे सवाल उन्होंने पत्रस को पूछा. हे सेवकांना त्यांनी विचारलं. ये उन्होंने सेवक को पूछा. आता सुरुवात कशी करायची. आज सुरुवात कहां से करें. आमच्या जीवना संबंधी तीच प्रश्न आहे. आज हमारे जीवन में भी वही सवाल है. आम्हाला देवाकडे जायचं आहे. हमें परमेश्वर की ओर जाना है. आम्हाला देवाला भेटायचं. हमें परमेश्वर को मिलना है. खूप प्रश्न आहे. खूप समस्या आहे. खूप अडचण आहे. बहुत सारे प्रश्न है. बहुत सारे सवाल है. कई सारे मुश्किल है. आम्ही आजारात आहो. हम बीमारी में है. आम्ही व्यसनात आहो. हम व्यसन में है. आम्ही पापात आहो. हम पापों में है. आम्ही दारिद्र्यात आहो. हम दरिद्रता में है. आम्ही अपयशात आहो. हम असफल है. आम्ही गोंधळ आमचा गोंधळ झालेला आहे. हम कई सारे मुश्किल में है. आम्ही आमच्यामध्ये अशांती आहे. हम में अशांति है. आम्ही आमच्यामध्ये दारिद्र्य. हमें दरिद्रता है. चारी बाजू संकट है. हम चारों ओर संकट से घिरे हैं. आमचे योजना संकल्प फेल गेलेले आहे. हम पूरी तरह से असफल है. आमचे स्वप्न फेल गेलेले. हमारे सारे ख्वाब असफल हुए. आम्ही जे काय करतो ते निष्फळ होतं. हम जो भी करते हैं उसमें असफल होते हैं. काय करायचं. क्या करें उसके लिए. संधि है. ये संधि है. ये वेळ है. ये वक्त है. देवाला भेटण्याची वेळ. ये परमेश्वर को मिलने का समय. देवाला भेटण्याचे समय. ये परमेश्वर को मिलने का अवसर है. सुरुवात काय करायची. सुरुवात कहां से करें. बाइबल संपूर्ण वाचत बसायचं नाही. आता हमें बाइबल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है. दादनेचं पालन करत बसायचं नाही. आता जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने की है वो पालने की जरूरत नहीं है. येशू किस म्हणाला. प्रभु येशू ने कहा. अहो कष्टी भारकन जनो. हे बोझ से दबे हुए लोगो. माझ्याकडे या. मेरे पास आओ. मी तुम्हाला मुक्ती देतो. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा. मी तुम्हाला विसाव देतो. मैं तुम्हें विश्रांती दूंगा. मी तुम्हाला शांती देतो. मैं तुम्हें शांती दूंगा. मी तुम्हाला आराम देतो. मैं तुम्हें आराम दूंगा. माझ्याकडे या. मेरे पास आओ. येशू आम्हाला बोलावतो. प्रभु येशू हमारे पास बुलाते हैं. वेळोवेळी बोलावतो. वो वक्त वक्त पे बुलाते हैं. तो आम्हाला शिकवतो. वो हमें सिखाते हैं. पश्चाताप ही देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी. मन फिराना परमेश्वर की ओर जाने की पहली पायरी है. त्याशिवाय पर्याय नाही. उसके अलावा हमारे पास कोई उपाय. त्याशिवाय मार्ग नाही. कोई और मार्ग नहीं. त्याशिवाय आज्ञा नाही. उसके अलावा कोई और आज्ञा. एक आज्ञा है. एक ही आज्ञा है. पश्चाताप. मन फिराओ. बाइबल सांगतो. बाइबल कहती है. पाऊल म्हणाला. पाऊल कहता है. प्रेषित 20:20 मध्ये. प्रेरित 20:20 में. तो म्हणला मी घराघरात जाऊन लोकांना सावध केलं. मैं घर घर जाके लोगों को मैंने सावध किया. लोकांचं हित कशात आहे.
लोगों का हित किस में है? लोकांचं कल्याण कशात आहे? लोगों का कल्याण किस में होता है? लोकांची मुक्ती कशात आहे? लोगों को मुक्त किस में मिलती है? घराघरात जाऊन सुवार्थ सांगितली. मैंने घर घर में जाके सुवार्थ की. घराघरात जाऊन लोकांना सावध केलं. मैंने घर घर में जाके लोगों को सावधान किया. पश्चाताप करा. मन फिराओ. देवाकडे वळा. परमेश्वर की समीप आओ. देवासा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दो. देव तुमसे कल्याण करे. परमेश्वर तुम्हारा कल्याण. घर घर जाऊन तिने स्वार्थ सांगितली. घर घर में जाके उन्होंने सुसमाचार. घर घरात लोकांना तिने सांगितली पश्चाताप करा. घर घर में जाके उन्होंने कहा मन फिराओ. आम्हाला भी तीस महत्वाचा भाग आहे. यही जरूरी बात हमें भी करनी है. आमचा ती महत्वाचा भाग आहे. हमारे लिए भी जरूरी बात यही है. कधी पश्चाताप केला का? हमने कब ये मन फिराने की कोशिश की? आम्ही देवाकडे गेलो का? हम परमेश्वर की ओर गए क्या? हमें देवाशी बोललो का? हम परमेश्वर से बातचीत की क्या? हमें स्वतःला देवासमोर ठेवलो का? हमने खुद को परमेश्वर के सामने लगा क्या? पश्चाताप म्हणजे काय? मन फिराना मतलब क्या? लक्षात ठेवा. याद रखिए. पश्चाताप म्हणजे काय? मन फिराना मतलब क्या? पापापासून मागे फिरणे. पाप से पीछे हटना. देवाकडे वळणे. परमेश्वर की ओर जाना. पश्चाताप म्हणजे मन फिराना मतलब पापापासून मागे फिरणे. पापों से तौबा करना. पाप सोडून देणे. पाप छोड़ देना. पापाची क्षमा मांगणे. पापों की क्षमा मांगना. देवाकडे वळणे. और परमेश्वर के समीप जाना. पश्चातापचा अर्थ आहे. मन फिराना मतलब ये है. पश्चाताप मध्ये फरक आहे. मन फिराव में एक फरक है. पश्चाताप आणि पछतावा मध्ये फरक आहे. मन फिराना और पछतावा इसमें अंतर है. पुष्कळ से लोग पश्चाताप करतात. कई सारे लोग मन फिराना करतात. काही लोग पछतावा करतात. कुछ लोगों को पछतावा होता है. झाल्या चुकांची देवाकडे क्षमा मागतात. किए हुए अपराध का परमेश्वर को क्षमा मांगते हैं. क्षमा मांगतात. उसकी क्षमा मांगते हैं. परस्तीच करतात. वापस वही करते हैं. परस्तीच करतात. वापस वही बातें करते हैं. परत ते क्षमा मांगतात. वापस वही क्षमा दोहराते करतात. वापस पाप करते हैं. परत देवाला क्षमा मांगतात. वापस क्षमा मांगते हैं. हा देवाचा अपमान होतो. ये परमेश्वर का अपमान है. बाइबल सांगते वेळोवेळी तुम्ही येशूला वधस्त तुम्ही खिळू शकत नाही. बाइबल कहती आप हर वक्त परमेश्वर को क्रूस पे नहीं टांग सकते. पछताव म्हणजे पापा बदल आम्हाला दुःख होतो. पछतावा और मन फिराना में इसमें अंतर है. इसमें हमें दुख होता है. पापा बदल आम्हाला दुःख होतो. पापों के बारे में हमें दुख होता है. कि माझ्याकडून ही चूक झालेली. मुझसे ये अपराध हुआ कैसे? पण आम्ही ते सोडत नाही. लेकिन हम छोड़ते नहीं. आम्ही ते सोडायला तयार नसतो. हम वो छोड़ने के लिए तयार नहीं होते. हा पछतावा झाला. ये पछतावा है. पछतावा देव मान्य करतच नाही. पछतावा परमेश्वर कभी कबूल नहीं करते. कसे लोकांनी बाइबलने पछतावा केला? कई सारे लोगों ने बाइबल में पछतावा किया. यहूदा इसका देवाकडे खूप रडला. यहूदा इस्कारियोत परमेश्वर की ओर जाके बहुत रोया. तो म्हणला मी येशूला धरून दिलं. मैंने परमेश्वर को पकड़ावा आया. ही चूक झाली. मुझसे गलती हुई. तो रडला. वो रोया. त्यांनी पछतावा केला. उसको पछतावा हुआ. पण त्यांनी पश्चाताप नाही केला. लेकिन उसको पश्चाताप नहीं हुआ. त्यांनी येशूचा स्वीकार केला नाही. उसने येशू का स्वीकार नहीं किया. त्यांनी पापाचा स्वीकार केला नाही. उसने पापों का स्वीकार नहीं किया. त्यांनी क्षमा मागितली नाही. उसने क्षमा नहीं मांगी. असा पछतावा देवाला मान्य नाही आहे. ऐसा पछतावा परमेश्वर को मान्य नहीं है. देवाला पश्चाताप पाहिजे. परमेश्वर को पाप फिराना जो है देवाला समस्त. परमेश्वर को समझ आती है. आम्ही मनुष्याला फसू शकतो. हम मनुष्य को फसा सकते. आम्ही सेवक संदेशाला फसू शकतो. हम परमेश्वर के सेवक को फसा सकते हैं. आम्ही देवाला फसू शकत नाही. लेकिन हम परमेश्वर को नहीं फसा सकते. कारण देव सर्व जाणतो. क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं. देवाला सर्व कळतं. परमेश्वर को सब मालूम है. बाइबल सांगतो. बाइबल कहती है. काइन हाबिल देवासमोर गेले. काइन और हाबिल परमेश्वर के सामने गए. दोघांनी देवाला अर्पण केलं. दोनों ने परमेश्वर को अर्पण किया. देवाने हाबिलचा अर्पण स्वीकारलं. परमेश्वर ने हाबिल का अर्पण स्वीकार किया. काइनचा अर्पण स्वीकारला नाही. काइन का हाबिल वापस कर दिया. कारण का? क्यों? देव अंतकरण तपासतो. परमेश्वर अंतकरण देखते. हाबिलचं मन स्वच्छ होतं. हाबिल का मन साफ था. पण काइनच्या मनात भावाबद्दल द्वेष होता. काइन के मन में अपने भाई के बारे में पाप था. त्यामुळे देवाने ते स्वीकारलं नाही. इसलिए परमेश्वर ने उसको कबूल नहीं किया. देव अंतकरण तपासतो. परमेश्वर अपना अंतकरण देखते. आम्ही अर्पण काय करतो? हम क्या अर्पण करते? आम्ही दान काय देतो? हम कैसे दान करते? आम्ही मुखाने काय बोलतो? हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं? देव अंतकरण तपासतो. लेकिन परमेश्वर अंतकरण देखते हैं. त्याला समजतो. और उन्हें वो समझता है. बाइबल सांगतो. बाइबल कहती है. परुषी जकातदार दोन्ही देवाच्या मंदिरात गेले. परुषी और जकातदार जो है वो परमेश्वर के समीप गए. परुषाने मोठमोठी प्रार्थना केली. परुषीने परमेश्वर को प्रार्थना की. हे देवा. हे परमेश्वर. नित्य मैं तुझी प्रार्थना करतो. मैं नियम पे नित्य नियम से आपकी प्रार्थना करता. आठवड्यातून दोनदा उपवास करतो. हफ्ते में दो बार मैं आपका उपवास करता हूँ. दान धर्म देतो. मैं दान करता हूँ. तुझे आज्ञेचं पालन करतो. मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ. इतर लोकांसारखं मी वागत नाही. मैं दूसरों जैसा नहीं बर्ताव करता. तुझे आज्ञेचं पालन करतो. मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ. पण जकातदार ने प्रार्थना केली. लेकिन जो जकातदार था उसने प्रार्थना की. त्याने लहानशी प्रार्थना केली. उसने छोटी सी प्रार्थना. हे देवा.
हे परमेश्वर मी पापी आहे, मैं पापी हूँ, माझ्या पापांची क्षमा कर, मेरे पापों की क्षमा कर, माझा स्वीकार कर, मेरा स्वीकार करे। लहानशी प्रार्थना, ये छोटी सी प्रार्थना, थोड़ी सी प्रार्थना, ये छोटी सी प्रार्थना देवाने ती मान्य केली, ये परमेश्वर ने कबूल की। परुषीची प्रार्थना, जो परुषी उनकी प्रार्थना थी, देवाने धुडकावून लावली, परमेश्वर ने प्रार्थना धुतकार दी। हेच देव पाहतो, यही परमेश्वर देखते हैं। आमची धार्मिक कर्मकांडे, हमारी जो हम धार्मिक कार्य करते हैं, ईशा म्हणतो, ईशा कहते हैं, ते घाणेडे वस्त्र सारखे आहे, वो गंदे वस्त्र की तरह है, ते देव स्वीकारत नाही, वो परमेश्वर उसका स्वीकार नहीं करते। देवाला पस्सा भाव आहे, परमेश्वर को मन फिराना चाहिए। आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे, हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है। आम्ही देवाकडे जाऊन धावा केला पाहिजे, हम परमेश्वर की ओर जाके दुहाई करें। देवासमोर बसलं पाहिजे, परमेश्वर के सामने जाके बैठे, देवाशी बोललं पाहिजे, परमेश्वर से बातचीत करें, सत्य बोललं पाहिजे, सत्य बोले। आम्ही स्वतःला देवासमोर ठेवलं पाहिजे, हम खुद का अंतकरण निकाल के परमेश्वर के सामने रखें। आम्ही देवाकडे जातो, हम परमेश्वर की ओर जाते हैं। आम्ही देवाकडे पाहतो, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। देव आमच्याकडे पाहतो, परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं। आम्ही स्वतःकडे पाहिलं पाहिजे, हमने खुद की ओर देखना जरूरी है। देवासमोर ती खरं बोललं पाहिजे, परमेश्वर से हमें सत्य बोलना है। जीवनात केलं सर्व चुकांचे, हमने जीवन में किए सारे अपराध, देवासमोर क्षमा मागितली पाहिजे, परमेश्वर के सामने हमें उसकी क्षमा मांगनी है। हे फार महत्वाचा भाग, ये बहुत जरूरी बात, देवासमोर ती खरं बोलणं फार महत्वाचा भाग, परमेश्वर से सच बोलना जरूरी बात। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, याकोबाविषयी मी पाहतो, याकूब का जो पत्र है उसमें देखते हैं, याकोब उत्पत्ति याकोब मध्ये पाहतो आम्ही, याकूब के बारे में उत्पत्ति में हम देखते हैं। याकोब हा फार हुशार होता, याकूब एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, फार चतुर होता, वो बहुत चालाक व्यक्ति था, तो लबाडी करायचा, वो झूठ बोलता था, तो फसवणूक करायचा, वो फसाता था, त्याने आपल्या बापाला फसवलं, उसने अपने पिता को फसाया, त्याने आपल्या सासरला फसवलं, उसने अपने ससुर को फसाया, त्याने आपल्या भावाला फसवलं, उसने अपने भाई को फसाया, तो लबाडी करायचा, वो उसे झूठ बोलता था, तो फसवणूक करायचा, वो फसाता था, तो पहराव करायचा, वो उसका पहनावा करता था, सर्व हस्तगत करायचा, वो सब छीन लेता था। अशा याकोबाची देवाची भेट झाली, एक बार याकूब और परमेश्वर की बात परिचय मेल मिलाप हुआ, समोरासमोर आले, वो एक दूसरे के आमने सामने आए, देवाने त्याला विचारलं, परमेश्वर ने उनको पूछा, तुझं नाव काय, तुम्हारा नाम क्या है, कोणत्या नावाने ओळखला जातो, तुम किस नाम से परिचित हो। त्यावेळेस याकूबला जाणीव झाली, उस वक्त याकूब को याद आया, त्याने लोकांची फसवणूक केली, उसने लोगों को फसाया, पण देवासमोर उभे राहिलं त्याला आपल्या पापाची जाणीव झाली। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ तो अपने पाप उसके सामने आए, त्याला माहित होतं, उसको मालूम था, देवासमोर मैं खोटं बोलू शकत नाही, परमेश्वर के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता, देवाला आम्ही फसू शकत नाही, मैं परमेश्वर को नहीं फसा सकता। त्यावेळेस त्याने कबूल केलं, उस वक्त उसने कबूल किया, हे देवा, हे परमेश्वर, मी याकूब आहे, मैं याकूब हूँ, मी लुबाडणार आहे, मैं लूटने वाला हूँ, फसवणार आहे, मैं फसाने वाला हूँ, अनेक लोकांना मी फसवलं, मैंने कईयों को फसाया, लबाडी केली, मैंने झूठ बोला है। हे देवासमोर त्यांनी प्रकट केलं, ये परमेश्वर के सामने उन्होंने रखा, कबूल केलं, कबूल किया, हे देवाला आवडलं, ये परमेश्वर को पसंद आया, देवाने त्याचा स्वीकार केला, परमेश्वर ने उनका स्वीकार किया, देवाने त्याला क्षमा केली, परमेश्वर ने उसको क्षमा की, देवाने त्याला आशीष दिले, परमेश्वर ने उसको आशीष दिए। देव म्हणाला, इथून पुढे तुला इस्रायल म्हणतील, इसके आगे परमेश्वर ने उनका की इसके आगे तुम्हें लोग इस्रायल से नाम, देवाने त्याचं नाव बदलून टाकलं, परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया, देवाचा पुत्र म्हणून तो संबोधित झाला, परमेश्वर के पुत्र से वो संबोधित हुआ। हे सत्य आहे, ये सत्य है, आम्ही देवाशी बोललं पाहिजे, हमें परमेश्वर से बात करनी है, आम्ही आमचे पाप देवासमोर कबूल केले पाहिजे, हमें अपने पाप परमेश्वर के सामने कबूल करने, देवाकडे क्षमा मागितली पाहिजे, परमेश्वर से क्षमा मांगी जरूर। आज प्रश्न आहे, आज सवाल है, आज प्रश्न आमच्या समोर आहे, आज हमारे सामने ये सवाल है, पश्चाताप का करायचा, हमें मन फिराव क्यों करना है, हा प्रश्न आहे आमच्या समोर, ये हमारे सामने बड़ा सवाल, आम्ही पश्चाताप का करायचा, हमें पश्चाताप क्यों करना है, आम्हाला पश्चाताप करण्याची गरज काय, हमें मन फिराव करने की जरूरत क्यों है। बाइबल काय सांगतो, बाइबल क्या कहती है, एका माणसाने पाप केलं, एक व्यक्ति ने पाप किया, आदमाने पाप केलं, आदमाने पाप किया, पापामुळे तो देवापासून दूर गेला, पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुआ, सर्वांनीच पाप केलं, सभी ने पाप किया, सर्व देवापासून दूर गेले, सब लोग परमेश्वर से दूर। बाइबल सांगतं, बाइबल कहती है, रोम करस पत्र 3:10 मध्ये, रोमियो का पत्र उसमें 3:10 में, नीतिमान कोणी नाही, नीतिमान धार्मिक कोई नहीं, एक पण नाही, एक भी नहीं, सर्वांनीच पाप केलं, सभी ने पाप किया, सर्व लोक देवापासून लांब आहे, सभी लोग परमेश्वर से दूर है, सर्व लोकांनी पाप केले, सभी लोगों ने पाप किया है, पृथ्वीवर असा चांगला असा मनुष्य कुणीच नाही, पृथ्वी पे एक भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोणीच नाही, कोई नहीं, एक पण नाही, एक भी नहीं, यासी सर्वांनाच पश्चाताप करण्याची गरज आहे, इसलिए हम सभी को पश्चाताप करने की जरूरत है। देव सर्वांना आमंत्रित करतो, परमेश्वर हम सबको आमंत्रित करतो, सर्वांना पश्चाताप करण्याची संधी देतो, सबको मन फिराने की संधी देते हैं, पश्चाताप केला पाहिजे, मन फिराओ, हे देवाची आज्ञा आहे, ये परमेश्वर की आज्ञा आहे। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, आम्ही किती पाप केलं, हमने कितने पाप किए, आम्ही किती अपराध केले, हमने कितने अपराध किए, याची मोजदाद देव करत नाही, ये परमेश्वर नहीं गिनते, आम्ही खूप पाप केलं म्हणून आमचा नाश होईल, हमने कई सारे पाप किए इसलिए हमारा नाश होगा, असं होत नाही, ऐसा नहीं होता। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, लूक 13:5 मध्ये, लूकस 13:5 में, जर तुम्ही पश्चाताप केला नाही, अगर आपने मन फिराव नहीं किया,
नाश पावल तो तुम्हारा नाश होगा। जर तुम्ही पश्चाताप केला नाही अगर तुम्हारा मन फिराव ना हुआ तर तुम्ही नाश पावल तो तुम नाश पाओगे। तुम्ही किती पाप केल्याची मोजदा देव करत नाही। तुमने कितने पाप किए ये परमेश्वर नहीं गिनते। देव दयाळू देव कृपाळू परमेश्वर दयामय है और कृपामय तो क्षमा करना तैयार है। वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हमारा गेलं पाहिजे हमें उनकी ओर जाना जरूरी देवाला सर्व लोग सारखे आहे। परमेश्वर के लिए सभी लोग एक समान है। देव पक्षपात करत नाही। परमेश्वर किसी में भी अंतर नहीं रखते। जो कोणी देवाकडे जातो जो भी परमेश्वर की ओर जाते हैं जो देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवतो जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास रखते हैं पश्चाताप करतो मन फिराव करते हैं क्षमा मागतो क्षमा मांगते हैं देव त्याचं तारांक करतो परमेश्वर उनका उद्धार करते हैं जीवन बदलून टाकतो उनको नया जीवन देते हैं जीवनी पुस्तकात नाव लेतो जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखते हैं। देव म्हणतो आजपासून तू माझा पुत्र आहे। परमेश्वर कहते हैं आज से तुम मेरे पुत्र हो। मी तुझा देव आहे। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तू माझा पुत्र आहे। तुम मेरे पुत्र हो। लक्षात ठेवा याद रखिए म्हणून सर्वांनीच पश्चाताप कर देवाची आज्ञा आहे। इसलिए सभी को मन फिराव करना जरूरी है। दूसरी गोष्ट आम्ही पाहतो दूसरी बात हम देखते हैं पश्चाताप कुठे करायचा मन फिराव कहाँ करें। आम्ही कुठेही करू शकतो हम कहां पर भी कर सकते हैं। हम कुठे देवाशी बोलू शकतो हम कहीं पर भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं। बाइबल सांगतो बाइबल कहती है यिर्मयाह 23:23 मध्ये यिर्मयाह 23:23 मध्ये देव आकाश पृथ्वी आपण राहतो परमेश्वर पूरे संसार में रहते हैं। आम्ही कुठेही देवाचा धावा करू शकतो हम कहीं पर भी परमेश्वर से दुहाई कर सकते हैं। कुठेही बसून देवाला विनंती करू शकतो कहीं पर भी बैठकर हम परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल सांगतो बाइबल कहती है मत्ती 18:20 मध्ये मत्ती 18:20 में ज्या ठिकाणी जिस जगह दोगे तिगे दो तीन व्यक्ति विश्वासाने मला हाक मारतील विश्वास से मुझे पुकारते हैं तिथे मी आहे वहां पे मैं हूँ। मी तिथे उपस्थित राहीन वहां पे मेरी उपस्थिती आहे। पश्चाताप मी कुठे करू शकतो तो पश्चाताप जो मन फिराव है हम कहीं पे भी कर सकते हैं। कुठेही देवाचा धावा करू शकतो हम कहीं पे भी परमेश्वर को दुहाई कर सकते हैं। देवाला क्षमा मागू शकतो हम परमेश्वर को क्षमा मांग सकते देव सर्वीकडे आहे परमेश्वर सभी जगह पे चलता बसता आम्ही देवाशी धावा करू शकतो चलते बैठते हम परमेश्वर को दुहाई कर सकते हैं। आम्ही देवाला क्षमा मागू शकतो हम परमेश्वर को क्षमा मांग सकते हैं। मी कुठेही कहीं पर भी। आता महत्त्वाची गोष्ट ही जरूरी बात यह है पश्चाताप कोणाशी करावा मन फिराव किससे करें हा फार महत्त्वाचा भाग आहे। ये जरूरी बात है पूर्ण पश्चाताप देवाला आवडतो पूरा मन फिराव परमेश्वर को पसंद है। देव म्हणाला परमेश्वर ने कहा तू आपला देव परमेश्वर पूर्ण मनाने जीवाने बुद्धीने शक्तीने प्रेम कर। तुम अपने परमेश्वर पे पूर्ण मन से पूर्ण जीव से और पूरी आत्मा से प्रेम करो तसं आपल्या दुसऱ्यावर प्रेम कर वही प्रेम आप दूसरों पे भी करो। देव मनुष्य परमेश्वर और मनुष्य याच्यावर आम्ही प्रेम केलं पाहिजे इन पे हमें प्रेम करना हे देवाची आज्ञा आहे ये परमेश्वर की आज्ञा आहे। पश्चाताप विषय आम्ही पाहतो तो पश्चाताप के बारे में हम देखते हैं देव पश्चाताप विषय आम्हाला सांगतो जो मन फिराव के बारे में परमेश्वर हमें सिखाते हैं पश्चाताप कोणाशी करायचा मन फिराव किससे करना है कोणाबरोबर करायचा किसके सामने करना है। पहली गोष्ट हम पाहतो पहली बात हम देखते हैं देवाच्या विरुद्ध आम्ही वागलेलो आहोत हम परमेश्वर के खिलाफ हम जब रहते हैं आमच्याकडून देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन झालेलं आहे हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। नीतिमान असं कोणीच नाही धार्मिक कोई भी व्यक्ती नाही। दाऊद म्हणाला दाऊद कहते हैं जन्मतच मी पापी आहे मैं जन्म जन्म का पापी हूँ गर्भाशयात असतानाच मी पापी आहे मैं अपनी माँ की कोख में था तब से मैं पापी हूँ। दाऊद ने कबूल किया दाऊद ने वो कबूल किया जन्मापासून मनुष्य पापी है जन्म से ही मनुष्य पापी है पापात त्याची वाढ होती पाप में ही उसकी बढ़ोतरी होती है। यह सिटी हम पाहतो इसमें इसलिए हम देखते हैं आम्ही देवाविरुद्ध पश्चाताप केला पाहिजे हमने परमेश्वर के सामने मन फिराव करना कारण आमच्याकडून देवाविरुद्ध उल्लंघन झालेलं आहे इसलिए हमने परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया त्यामुळे आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे इसलिए हमें परमेश्वर के समीप जाना है देवाकडे जाऊन क्षमा मागितली पाहिजे इसलिए परमेश्वर के समीप जाके हमें देवाची इच्छा काय परमेश्वर की इच्छा क्या है हे पाहिलं पाहिजे आम्ही ये हमें जानना जरूरी है। पुष्कळदा आम्ही म्हणतो हम कई बार बोलते हैं माझ्याकडून झालेल्या चुकापर्यंत क्षमा कर मुझसे हुए गलती अपराध की क्षमा करें कोणाला दुखले त्याची क्षमा कर अगर किसी को मैंने दुखाया हो उसकी क्षमा करें कोणाविरुद्ध वागले त्याची क्षमा कर मैंने किसके खिलाफ कुछ किया हो तो क्षमा करें। आम्ही सहज प्रार्थना करतो हम यूं ही प्रार्थना करते हैं देव काय म्हणतो तब परमेश्वर क्या कहते हैं बाइबल सांगतो बाइबल कहती है मत्ती शुभवर्तमान मत्ती का पुस्तक 5:23 मध्ये 5:23 में ज्यावेळेस तू देवाच्या वेदीवर जातो त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात ठेव जब तुम परमेश्वर की वेदी पे जाते हो तब एक बात याद रखें तुझा मनात तुम्हारे मन में तुझा मनात भावविदल अडी तुम्हारे भाई के बारे में अगर कुछ पाप हो तर तू तभी तुम तो आपले दान तुम्हारा जो दान है अर्पण जो अर्पण है तिथेच ठेव वहीं पे रखो प्रथम भावाशी समेट कर प्रथम जाके अपने भाई से समेट करो मेल मिलाप कर मेल मिलाप करें क्षमा कर उसे क्षमा मांगो क्षमा मांग क्षमा मांगो भावाशी समेट कर भाई से अपने मेल मिलाप मग तू माझ्याजवळ ये फिर तुम मेरे पास आओ माझ्याकडे अर्पण कर
और मेरे पास अर्पण करो, मायाकडे प्रार्थना कर और मेरे पास प्रार्थना करो, मी स्वीकारेल, तब मैं स्वीकारूंगा। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, आम्ही देवाविरुद्ध पाप केले आम्ही देवाला क्षमा मागतो। हम बाइबल में देखते हैं कि हम परमेश्वर से जब क्षमा मांगते हैं तसे इतरांना भी क्षमा करावी देवाची इच्छा असते, इसलिए दूसरों को भी क्षमा करे ये देव आम्हाला सांगतो। तब परमेश्वर हमें कहते हैं, ज्या वेळेस तू देवाकडे येतो त्या वेळेस तू लक्षात ठेव, जब तुम परमेश्वर के पास आते हो एक बात याद रखो, तुझ्या मनात काय अडी आहे, तुम्हारे मन में अगर कुछ पाप है, भावाबद्दल अडी आहे, तुम्हारे भाई के बारे में कुछ अपराध है, द्वेष है, कोई द्वेष है, कलह है, कुछ कलह है, मत्सर है तो देवाकडे येऊ नको, तो परमेश्वर के पास मत आओ, प्रथम भावाची समेट कर, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, मायाकडे ये, फिर मेरे पास आओ, माया से समेट कर, अब मेरे पास आके समेट करो। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, काइन और हाबेल चा स्वीकार केला, हाबेल का स्वीकार हुआ, काइनाचा स्वीकार केला नाही, काइन के भेट का स्वीकार नहीं हुआ, दोघे देवाच्या जवळ गेले होते, दोनों परमेश्वर के समीप गए थे, देवाने एकाचा स्वीकार केला, परमेश्वर ने केवल एक का ही कबूली की, एकाला घरी पाठवून दिला और दूसरे को घर भेज दिया। भावाभावात वैमस, ये भाई भाई में बैर था, एकमेक विरुद्ध दुखापत, ये एक दूसरे के बारे में उनको दुख था, एकमेक निंदा, वो एक दूसरे के बारे में निंदा करते थे, हे देवाला आवडत नाही, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। ज्या माणसाविषयी आमचं गारण आहे, जिस व्यक्ति के बारे में हम कुछ बोलते हैं, त्या माणसाला आम्ही क्षमा करतो, उस व्यक्ति को हमें क्षमा करते हैं, त्या माणसाचे आम्ही क्षमा मागतो, उस व्यक्ति से हम क्षमा मांगते हैं, समेट करतो, उसका हम मेल मिलाप करते, देव नाते संबंध वाढवतो, परमेश्वर हमारे संबंध बढ़ाते हैं, देवाशी नाते, परमेश्वर से संबंध, माणसाचे नाते, मनुष्य से हमारे संबंध, हे देव बनवतो, ये परमेश्वर बनाते, देव नाते संबंध वाढवतो, परमेश्वर हमारे संबंध बढ़ाते, देव मंडळी वाढवतो, परमेश्वर मंडळी बढ़ाते, देव मित्र परिवार वाढवतो, परमेश्वर हमारे मित्र है, हमारे परिवार बढ़ाते, देवाची स्वरता वाढते, परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ता है, कारण देवाने सांगितलं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जसं माझ्यावर प्रेम करतो तसं तू मनुष्यावर प्रेम कर, जैसा तू मुझ पे प्रेम करते हो वैसे मनुष्य पे करो, जसं पश्चाताप तू करतो वैसे मन फिराव करते हो, माझ्याकडे क्षमा मागतो, मुझसे आप क्षमा मांगते हो, ज्या माणसाविषयीचं गारण आहे, जिस मनुष्य के बारे में आप बोलते हो त्याला क्षमा कर, उसको क्षमा करे, त्याला तेजी क्षमा माग, उसकी उससे आप क्षमा मांगो, हा पूर्ण पश्चाताप आहे, ये पूरा मन फिराव, हा देवाला आवडतो, ये परमेश्वर को पसंद आहे, केला पाहिजे, ये हमें करना है। ज्यावेळेस मी आम्ही देवाकडे गेलो, मी माझं कुटुंब देवाकडे गेलो, जब मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की ओर गए, देव म्हणला पश्चाताप कर, परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, आम्ही देवाकडे क्षमा मागितली, हमने परमेश्वर को पापों की क्षमा, देव म्हणला ज्या लोकांविषयी तक्रार आहे, जिस लोगों के बारे में तुम तक्रार करते हो, त्यावेळेस मोबाईल नव्हते, उस वक्त मोबाईल फोन नहीं थे, त्यावेळेस आम्हाला देवाने सांगितलं की त्यांची तू क्षमा माग, तब परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम उनसे क्षमा मांगो, त्यांना क्षमा करून टाक, उनको तुम क्षमा करो, देव नाते संबंध तयार करतो, परमेश्वर संबंध बनाते हैं, देव आम्हाला सांगतो की त्या लोकांना क्षमा कर, क्षमा माग, परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम उनसे क्षमा मांगो और क्षमा भी करो, जर तू अगर तुम मनुष्याच्या पापाची क्षमा करणार नाही, मनुष्य के पापों की क्षमा नहीं करोगे, मी भी तुला क्षमा नाही करणार, मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। बाइबल सांगतो, ये बाइबल कहती है, मत्ती 7:15 में, जर तू मनुष्याला त्याच्या पापाची क्षमा करत नाही, अगर तुम मनुष्य को उनके अपराध की क्षमा ना करोगे, देव भी तुला क्षमा नाही करणार, तो तुम्हारे पिता तुम्हें भी क्षमा नहीं करेंगे। यासाठी आम्हाला देवाकडे जाण्यासाठी, इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाने के लिए पूर्ण पश्चापची गरज आहे, पूरा पश्चाताप करने की जरूरत है। घरापासून सुरुवात होती, ये हमारे घर से शुरुआत है, आमचे घरात नाते संबंध कसे आहे, हमारे घर में हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, घरापासून सुरुवात आहे, ये हमारे परिवार से शुरुआत, आम्ही घरात कसे वागतो, हम अपने परिवार के साथ कैसे रहते, घरात कसे राहतो, हम अपने घर में कैसे रहते, आम्ही कुटुंबाचा आदर करतो, हम अपने परिवार का आदर करते हैं, सन्मान करतो का, हम सन्मान करते हैं, पति पत्नीचा आदर करते का, पति पत्नी का आदर करता है क्या, पति पत्नीचा सन्मान करतो का, पति पत्नी का सन्मान करता है, मुला आईवडिलांच्या आज्ञेचं पालन करतात का, अपने बच्चे अपने माता पिता के सन्मान करते हैं, आईवडील मुलांची काळजी घेतात का, माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, आम्ही वडील लोकांचा आदर करतो का, हम अपने से बड़े लोगों बुजुर्गों का आदर करते हैं क्या, आम्ही सासू संगती कसं वागतो, हम अपने सास ससुर से कैसे रहते, सासू सुन सकती कसं वागतो, सास अपने बहू के साथ कैसे रहती है, भा देखिए घरापासून सुरुवात होती, ये हमारे परिवार से शुरुआत है, जास्त सहवास आमचं घरात आहे, ज्यादा से ज्यादा हम परिवार के साथ रहते हैं, त्यामुळे आम्ही घरातून सुरुवात करतो, इसलिए हमें अपने परिवार से शुरुआत करते, घरातून आम्ही पश्चाताप करतो, हम अपने घर से ही मन फिराव करते हैं, घरात आम्ही मनात कोणाला दुखवलं का, हम अपने घर में किसी का मन दुखाया है क्या, आम्ही कोणाला राग चिडचिड करतो का, हम अपने घर में किसी से दुखी है क्या, ओळखा पहचानिए, जर असं असेल तर सुरुवात करा, अगर ऐसा है तो शुरुआत करो, आम्ही कोणाचं मन दुखवलं का, हमने किसी का मन दुखाया है, आम्ही कोणाला त्रास दिला का, हमने किसी को तकलीफ दी क्या, आम्ही कोणाला फसवतो का, हमने किसी को फसाया है क्या, आठवण करा, याद करिए, त्याची क्षमा मागा, उसकी क्षमा मांगिए, नातेसंबंध नीट करा, नातेसंबंध ठीक कीजिए। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त यरिहो शहरामध्ये चालला असताना,
येरियो शहर में जब येशु चल रहे थे, जक्के एक मनुष्य मी आठवण करतो, जक्के नाम का व्यक्ति था, लुक्स वर्तन 19 मध्ये लुकस के 19वें वचन में लिखा हुआ है, जक्के सा मी पाहतो सर्व वृत्तांत पाहतो, उसमें हम जक्के के बारे में पूरा वृत्तांत देखते हैं। येशु के येरियो गावातून जात असताना, येरियो गाँव में जब ईसा मसीह चल रहे थे, जक्के ने, जक्का है एक जकादार होता, जक्के जो है वो कर वसूली करने वाला व्यक्ति था, वो करामध्ये लबाडी करायचा, वो कर में लोगों को फसाता था, लोकांची फसवणूक करायचा, वो वसूली में पर लोगों को फसाता था, जकातीमध्ये जास्त पैसे घ्यायचा, वो कर लेते वक्त ज्यादा पैसे लेता था, त्यामुळे तो धनवान होता, इसलिए वो धनी था, तो श्रीमंत होता, वो अमीर था, त्याच्या घरात संपत्ती होती, उसके घर में संपत्ती भरी पड़ी थी। ज्यावेळेस त्याने येशूची स्वार्थ ऐकली, लेकिन जब उसने परमेश्वर का सुसमाचार सुना की येशू किस लोकांना बरे करतो, की प्रभु येशु लोगों को ठीक करते हैं, येशु के लोकांचं तारण करतो, प्रभु येशु लोगों का उद्धार करते हैं, आजारांना आरोग्य देतो, लोगों को चंगाई देते हैं, मृतांना तो उठवतो, वो लोगों को उठाते हैं। हे त्यांनी स्वार्थ ऐकली, ये उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना था, त्यावेळेस त्याच्या अंतकरणात चुटपुट लागली, उसका मन बेचैन हुआ, येशूला पाहण्याविषयी त्याची इच्छा प्रगट झाली, उसको परमेश्वर के देखने की इच्छा बढ़ गई। ज्यावेळेस येरियो गावातून येशू के चालला असताना, जब येरियो गाँव में इसे परमेश्वर जा रहे थे, त्यांनी येशूला पाहण्याचा प्रयत्न केला, वो परमेश्वर को देखने की कोशिश कर रहा था, तो येशूला पाहण्यासाठी तिकडे गेला, वो प्रभु येशू को देखने के लिए उस ओर गया। बाइबल सांगते, बाइबल कहती है, तो ते उंचीने कमी होता, वो अपने ऊंचाई से कम था, बाइबल सांगते तो ठेंगणा होता, बाइबल कहती है वो ठेंगणा था, पुष्कळसे लोक समुदाय होते, कई सारे लोग वहां पे जमा हुए, गर्दीमुळे त्याला येशूकडे जाता येत नव्हतं, कई सारे लोग जमे थे, इसलिए उसको देखने नहीं प्राप्त हो रहा था, येशूला पाहता येत नव्हतं, वो प्रभु येशू को ठीक तरह से नहीं देख रहा था, कारण त्याची उंची कमी होती, क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो ठीक नहीं थी, पण तरी पण त्याची पाहण्याची इच्छा होती, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर को देखने की इच्छा थी, त्याला भेटण्याची इच्छा होती, उसको परमेश्वर को मिलने की इच्छा थी। आमच्या जीवनात समस्या असतात, हमारे जीवन में कई सारी समस्या, अनेक प्रश्न येतात, कई सारे प्रश्न है, अनेक अडचण येतात, कई सारे मुश्किल है, आम्ही देवाकडे जाण्यासाठी निघतो, हम परमेश्वर की ओर जाने के लिए निकलते हैं, उसके से अडथळे येतात, कई सारे मुश्किलें आती है, उसके से समस्या येतात, कई सारे समस्या आती है, उसके से प्रश्न येतात, कई सारे सवाल आते हैं, तरी पण आम्ही निश्चय धरला पाहिजे, लेकिन हमें निश्चित करना होगा, येशूकडे गेलंच पाहिजे, हमें परमेश्वर की ओर जाना है, येशूला भेटलंच पाहिजे, हमें परमेश्वर को मिलना है। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, शैतान सर्व करू देतो, बाइबल कहती है शैतान सब करने देता है। मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं, पिछली बार मैंने आपसे कहा था, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करने, बाइबल वाचतो, बाइबल पढ़ने, उपवास धरतो, उपवास करने, दान देतो, दान करने देता, चर्चला जातो, चर्च जाने देता, शैतान काय करत नाही, पर शैतान कुछ नहीं करता। ज्यावेळेस मी मला जाणीव होती, लेकिन जब हमें जानी इसकी याद आती है, वचनानुसार आम्हाला देवाची ओळख होती, हम वचन के द्वारा परमेश्वर को पहचानते हैं, देव म्हणतो पश्चाताप कर, परमेश्वर कहते हैं मन फिराओ, ज्यावेळेस आम्ही देवाकडे निघतो, जब हम इस परमेश्वर की ओर निकलते हैं, देवाला भेटण्याची तयारी करतो, परमेश्वर को मिलने के लिए हम तयारी करते हैं, आम्ही पश्चाताप करायची तयारी करतो, हम मन फिराने के लिए तयारी करते हैं, त्यावेळेस शैतान उठतो, तब शैतान नहीं करने देता, तो विरोध करतो, वो उसका विरोध करता है, तो क्रांति आणतो, वो क्रांति लाता है, तो लड़ाई करतो, वो उसके खिलाफ लड़ता है, तो आम्हाला देवाकडे जाऊ देत नाही, वो परमेश्वर की ओर हमें जाने नहीं देता, तो आम्हाला पश्चाताप करू देत नाही, वो हमें मन फिराने नहीं देता, आम्हाला देवाकडे क्षमा मागू देत नाही, वो हमें परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगने देता, क्रॉस करतो, वो पूरी तरह से रोकता है, तो आमची समस्या वाढवतो, वो हमारी समस्या बढ़ाता है, आमचे प्रश्न वाढवतो, वो हमारे सवाल बढ़ाता है, अनेक गोष्टी समोर आणून ठेवतो, वो कई सारे चीजें हमारे सामने लाके रखता है, तो आम्हाला देवाकडे जाऊ देत नाही, वो हमें परमेश्वर की ओर जाने नहीं देता, कारण तो पश्चाताप करू देत नाही, वो हमें मन फिराव नहीं होने देता, कारण शैतानला माहित आहे, क्योंकि शैतान को ये मालूम है, येशू म्हणला पश्चाताप कर म्हणजे देव भेटेल, येशू ने कहा मन फिराओ मतलब तुम्हें परमेश्वर मिलेंगे, तो देवाला भेटू देत नाही, वो परमेश्वर को हमें मिलने नहीं देता, क्रॉस करतो, वो हमें क्रॉस करता है, तो पश्चाताप करू देत नाही, वो पश्चाताप करणे नहीं देता। मी देवाचं कार्य करत असताना, मैं परमेश्वर का कार्य करते हुए, सेवा करत असताना, सेवा करते हुए, अनेक लोकांना मंगळवारी शिक्षण देत असताना, कई सारे लोगों को मंगळवार के दिन शिक्षण देते हुए, लोकांना शिक्षण दिलं, मैंने कई सारे लोगों को शिक्षण देता हूं, त्यांना तयार केलं, उनको मैं तयार करता हूं, त्यांना म्हणलं चला देवाला भेटू, चलो परमेश्वर को मिलेंगे, त्यांनी विश्वास ठेवला, उन्होंने विश्वास पकड़ा, त्यांना म्हणलं पश्चाताप करू, उनको मैंने कहा चलो पश्चाताप करेंगे, त्यावेळेस ते पश्चाताप करण्याची तयारी केली, उनको मैंने मन फिरावने की जो तयारी की, त्यामध्ये एक स्त्री होती, उसमें एक स्त्री बैठी थी, ती पुष्कळशी प्रार्थना करायची, वो बहुत प्रार्थना करती थी, मोठमोठी प्रार्थना करायची, वो बड़ी बड़ी प्रार्थना करती थी, उपवास करायची, वो उपवास करती थी, देवाविषयी ती आवेश होती, वो परमेश्वर के बारे में बहुत उत्सुक थी, देवाविषयी तिला आवड होती, वो परमेश्वर के बारे में उसको बहुत पसंद थी। ज्यावेळेस मी तिला सांगितली पश्चातापची सुरुवात करू, जब मैंने कहा कि हम मन फिराव करेंगे, त्यावेळेस तिने पश्चाताप करायला सुरुवात केली, जैसे उसने मन फिराव करने की कोशिश की, तिची जीभ टावलं चिटकली, उसकी जो जुबान थी वो उसके हलक में जाके चिपक गई,
तिचं मुख बंद झालं. उसका मुख बंद हो गया. तिचे तिला प्रार्थना करण्याची बंदी आली. उसको प्रार्थना वो प्रार्थना नहीं कर पाती थी. तिने मला खुणाला सुरुवात केली. उसने मुझे इशारे करना चालू किए. ब्रदर इकडे या. ब्रदर यहाँ पे आइए. मला बोलता येत नाही. मैं बात नहीं कर पा रही. मला प्रार्थना करता येत नाही. मुझे प्रार्थना करनी नहीं आ रही. माझं मुख बंद झालेलं आहे. वो इशारे से बोल रही थी, मेरा मुख बंद हुआ. भाई समस्या है. देखिए ये समस्या है. त्यावेळेस मी देवाला प्रार्थना केली. जैसे मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की. देवा या स्त्रीची परिस्थिती अशी काय? परमेश्वर ये स्त्री की आज परिस्थिती ऐसी क्यों है? या स्त्रीला बोलता येत नाही. ये बात नहीं कर पा रही. देवाला प्रार्थना केली. मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की. देवाला विनंती केली. परमेश्वर को विनंती की. येशू की साला. प्रभु येशू आए. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं. उन्होंने मुझे कहा. आज 7 वर्ष झाले. 7 साल हुए. ही स्त्री बंधनात आहे. ये स्त्री बंधन में है. ये शैतानीला बांधून टाकले. शैताने इसे बांध के रखा है. शैताने इसकी वाचा बंद केलेली. शैताने इसका मुख बंद किया है. तो तिला प्रार्थना करायला मनाई करतो. वो उसे प्रार्थना करने नहीं देता. त्याने बंद केले तिचं मुख. उसने उसका मुख बंद किया है. तो तिला विरोध करतो. वो उसे विरोध कर रहा है. कारण त्याने पश्चाताप केला. त्याला हे शरीर सोडायला लागन. क्योंकि अगर ये औरत जब मन फिराव करेगी तो उसको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा. त्याला निघायला लागन. उसको इस शरीर से निकलना पड़ेगा. त्याने त्याचं तोंड बंद केलं. वो शैतान इस औरत का मुख बंद किया है. देवाच्या नावाने प्रार्थना केली. मैंने परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की. देवाने तिचं मुख खोललं. परमेश्वर ने उसका मुख खोला. तिने प्रसाद केला. सुरुवात केली. जैसे उसने मन फिराव के लिए प्रार्थना की. ती रडायला लागली. वो रोने लगी. तिने देवाचा दावा केला. उसने परमेश्वर को दुहाई. 7 वर्ष बंधनातून ती मुक्त झाली. 7 साल जो वो बंधन में थी वो मुक्त हो गई. शैतान तिला सोडून निघून गेला. शैतान उसके छोड़ के निकल गया. देवाने तिला क्षमा केली. परमेश्वर ने उसे क्षमा की. देवाने तिचं तारण केलं. परमेश्वर ने उसका उद्धार किया. देवाचं सेवा म्हणून ती काम करते. आज वो परमेश्वर की सेवा करती है. शैतान करतो. ये शैतान इस तरह से करता तो पश्चाताप करू देत नाही. वो मन फिराव होने नहीं तो देता. हमारा देवाचं वचन ऐकू देत नाही. वो हमें परमेश्वर का वचन सुनने नहीं देता. तो आम्हाला देवाविषयी बोलू देत नाही. वो हमें परमेश्वर के बारे में बोलने नहीं देता. पश्चाताप केला तो क्रॉस करतो. वो पश्चाताप करने के लिए हमें रोकता है. तो आमची दृष्टी आंधळी करतो. वो हमारे दृष्टि है वो अंधी करता है. यासाठी जागृत व्हा. इसलिए जागृत हो. देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी पश्चातापच आहे. परमेश्वर की ओर जाने के लिए पहला मार्ग है वो मन फिराओ. शैतान त्याला क्रॉस करतो. परमेश्वर वो उसे उसके लिए रोकता है. शैतान उसके लिए रोकता है. जागृत व्हा. जागृत होइए. अडचणी येतील. मुश्किलें आएंगी. समस्या येतील. समस्या आएंगी. प्रश्न येतील. प्रश्न आएंगे. आम्ही देवाकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो. हम परमेश्वर की ओर जाने की कोशिश करते हैं. पश्चाताप करण्याचा प्रयत्न करतो. हम मन फिराने के लिए कोशिश करते हैं. शैतान आमच्या बुद्धीमध्ये येतो. शैतान हमारी बुद्धि में आता है. विचारात येतो. हमारे विचार में आता है. आमच्या विचारात गोंधळ करून टाकतो. हमारे पूरी तरह से हमें विचार में उलझा देता है. आम्हाला प्रार्थना करू देत नाही. हमें प्रार्थना करने नहीं देता. आम्हाला एकचित्त होऊ देत नाही. हमें एक जगह हमें कॉन्सन्ट्रेट करने नहीं देता. आम्हाला स्थिर करत नाही. हमें स्थिर होने नहीं देता. देवाशी बोलू देत नाही. हमें प्रभु से बात करने नहीं देता. देव आम्हाला सहाय्य करतो. लेकिन परमेश्वर हमें मदद करते हैं. यासाठी आम्ही पाहतो. इसलिए हम देखते हैं. जक्कई त्याला जीवनात पुष्कळ समस्या आल्या. उसके जीवन में कई सारे समस्या आई. तो तरी पण त्याला इच्छा होती की देवाला भेटायचं. फिर भी उसकी इच्छा थी मैं परमेश्वर को मिलूंगा. देवाला पाहायचं. मुझे परमेश्वर को देखना. तो उमराच्या झाडावर चढला. वो गिलूर का जो पेड़ था उस पे चढ़ गया. तिथून त्याने येशूला पाहिलं. उससे उस पर से उसने परमेश्वर को देखा. त्याला पाहण्याची इच्छा होती. उसको परमेश्वर को देखने की इच्छा थी. तिथून त्याने देवाचं दर्शन घेतलं. वहां से उसने परमेश्वर का दर्शन लिया. बाइबल सांगतो. बाइबल कहती है. देवाला सर्व समजतो. परमेश्वर को सब समझ आता है. जो अंतकरण देवाचा धावा करतो. जो अपने अंतकरण से परमेश्वर को दुहाई देता है. देव त्याला ओळखतो. परमेश्वर उसे पहचानते हैं. एवढ्या लोकसमुदायामध्ये इतने लोगों के झुंड में भी देव येशू की जक्के जवळ आला. प्रभु येशु जक्के के समीप आए. जक्केला त्याने हाक मारली. उन्होंने जक्के को पुकारा. जक्के 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 तू खाली उतर. तुम नीचे उतर आओ. आज मैं तुझे घर येतो. आज मुझे तुम्हारे घर आना है. भाई मोठी गोष्ट. देखिए बहुत बड़ी बात है. एवढ्या लोकसमुदायामध्ये इतने सारे लोगों के झुंड में येशु ख्रिस्तीने जक्केला ओळखलं. प्रभु येशु ने जक्के को पहचाना. की त्याला मला भेटण्याची इच्छा आहे. मुझे उसको मिलने की इच्छा है. तो कटपट करत आहे. वो मिलने की मुझे बहुत कोशिश कर रहा है. ही फार महत्वाची गोष्ट. ये बहुत जरूर बड़ी बात है. आम्ही देवाला भेटण्याची इच्छा करतो. हम परमेश्वर को मिलने की इच्छा रखते हैं. मी प्रयत्न करतो. हम कोशिश करते हैं. सासपड़ सासपड़ देवाकडे जातो. हम ऐसे कोशिश करते करते जाते हैं. प्रार्थना करतो. हम प्रार्थना करते हैं. जमल तसी करतो. जैसा हमें मुमकिन है वैसी कोशिश करते हैं. टुटकी मुटकी करतो. हम टूटी फूटी प्रार्थना करते हैं. देव ते भक्तो. परमेश्वर वो सुनते हैं. बहुत भाषण देव खुश होत नाही.
कई बड़ी बड़ी प्रार्थना से परमेश्वर खुश नहीं होते। आम्ही देवाशी तुटक मुटक बोलतो, हम तूटी फूटी भाषा में परमेश्वर से बात खरं बोलतो, लेकिन सत्य बोलते हैं, पश्चाताप करतो, हम मन फिराव करते हैं, देव मान्य करतो, परमेश्वर को कबूल करते हैं। आम्ही कुठे असो, हम कहीं भी हो, देव आम्हाला तिथे भेटतो, परमेश्वर वहां पे आम्ही आमके मिलते हैं, देव तिथे आमचं तारण करतो, वहां आके हमारा उद्धार करते हैं, देव आमची खात्री देतो, परमेश्वर वो निश्चित करते हैं। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, येशू म्हणाला, येशू कहते हैं, जक्के मला तुझ्या घरीच, जक्के मुझे तुम्हारे घर आना है। पुष्कळ लोकांमध्ये कुजबूज झाली, कई सारे लोगों ने ये बातचीत की, ते म्हणाले, वो कहने लगे, जक्के जकादार है, ये तो कर वसूली करने वाला व्यक्ति है, हा पापी है, ये पापी है, हा लोकांना फसवतो, ये लोगों को फसाता है, हा लबाडी करतो, ये झूठ बोलता है। मी येशू की त्याच्या घरी कसं गेला, लेकिन प्रभु येशू इसके घर कैसे गए, हा प्रश्न आला, ये प्रश्न उनके बीच में निर्माण हुआ। पापी व्यक्ति च घरी देव कसा चलला, इस पापी व्यक्ति के घर परमेश्वर कैसे चले गए। देव पक्षपात करत नाही, परमेश्वर किसी में अंतर नहीं रखते। देव म्हणाला, मी पापी लोकांना भेटायला आलेलो आहे, परमेश्वर कहते हैं, मैं पापियों को मिलने के लिए इस पापी लोकांचा उद्धार करण्यासाठी आलेलो आहे, पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। त्यामुळे आम्ही पाहतो, इसलिए हम देखते हैं, आम्ही कोणी असो, हम कोई भी हो, आम्ही देवाचा धावा करतो, हम परमेश्वर को दुहाई करते हैं, त्याला भेटण्याची इच्छा करतो, उसको मिलने की इच्छा रखते हैं, देवाकडे जाऊन क्षमा मागतो, परमेश्वर को जाके मिलने की क्षमा मांगते हैं। देव आम्हाला क्षमा करण्यास तयार आहे, परमेश्वर हमें क्षमा करने तयार है, देव आमची भेट घेतो, परमेश्वर हमें आके मिलते हैं। बाइबल मध्ये पाहतो, बाइबल में देखते हैं, जक्केच्या विचारामध्ये गोंधळ झाला, जक्के अपने विचार में पूरा उलझ गया, भयभीत झाला, वो डर गया। येशू किस माझ्या घरी येते, प्रभु येशू मेरे घर आ रहे हैं, त्याने देवाचं आगत स्वागत केलं, उसने परमेश्वर का पूरी तरह से स्वागत किया, तो देवाला घरी घेऊन गेला, वो अपने घर परमेश्वर को ले गया। घरी गेल्यानंतर, जैसे घर ले जाने के बाद, देवासमोर उभा राहिला, वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। लक्षात ठेव, तो काय म्हणतो, याद देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देवाशी बोलू लागला, वो परमेश्वर से बात करने लगा, देवा मी चांगला माणूस नाहीये, परमेश्वर मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मी जकातदार आहे, मैं कर वसूल करने वाला व्यक्ति हूँ, लुबाडणार आहे, मैं लोगों को लूटता हूँ, मी लोकांना फसवलेलं आहे, मैं लोगों को फसाता हूँ, अनेक लोकांची फसवणूक केली, मैंने कईयों को फसाया है, खूप संपत्ती आणली, मैंने कई सारी संपत्ति इकट्ठा की, तरी मला शांती नाहीये, फिर भी मुझ में शांती नहीं, मी सुखी नाहीये, मैं सुखी नहीं हूँ, माझं कुटुंब सुखी नाहीये, मेरा परिवार सुखी नहीं है। त्यांनी कबूल केलं, उसने उस बात की कबूली की, मी पाप केलेले आहे, मैं पापी हूँ, मी लोकांची फसवणूक केलेली, मैं लोगों को फसाया हूँ, ज्या लोकांची मी फसवणूक केली, जिस लोगों को मैंने फसाया, ज्या लोकांकडून पैसा जास्त घेतला, जिस लोगों से मैंने पैसा दौलत मैंने ज्यादा ली, चौपट परत देऊन टाकतो, मैं चार गुना उनको वापस देता हूँ। जी संपत्ती, जो दौलत, ती गोरगरिबाला देऊन टाकतो, मैं गरीबों में बांट दूंगा, ही संपत्ती मला नकोय, ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। हे त्यांनी पश्चाताप केला, ये उसने मन फिराया। दोन गोष्टी आल्या, दो चीजें इसमें आई। जक्केने स्वतः कबूली केलं की मी चांगला माणूस नाहीये, जक्केने खुद कबूली की मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। दुसरी गोष्ट त्याने कबूल केली, दुसरी बात उसने कबूल की, कि लोकांकडून मी फसवणूक करून पैसा घेतला, मैंने लोगों को फसा कर ये पैसा इकट्ठा किया, जकाते में जास्त पैसा घेतला, मैंने कर ज्यादा वसूल किया, जैसे घेतले त्याला परत देऊन टाकतो, जिनका मैंने लिया उनको मैंने वापस कर देता। हस्त समेट है, यही वो समेट है, हा देवाबरोबर समेट है, ये परमेश्वर से मिलने का समय है, हा माणसाबरोबर समेट है, ये परमेश्वर से होने वाला समेट है, देवासंती नाते जुड़तो, इससे परमेश्वर से संबंध जुड़ता है, इतरांसे भी नाते जुड़तो, दूसरों का भी संबंध इससे जुड़ता है, देव लोग बांधतो, परमेश्वर लोग बांधता है, देव बांधकाम करना सलला है, परमेश्वर लोगों को बांधने के लिए आए हैं, मोड़तोड़ कर आला नाही आहे, वो तोड़ने के लिए नहीं आए। हे सामी बायलोनी पाहतो, ये हम बाइबल में से देखते हैं, जक्कई ने पूर्ण पश्चाताप केला, जक्कई ने पूरी तरह से मन फिराव किया। येशु किस काय म्हणला, येशु ख्रिस्त ने क्या कहा, आज या घराला तारण प्राप्त झाला आहे, प्रभु येशु ने कहा कि आज इस घर को उद्धार प्राप्त हुआ, आज या घराचं मी तारण करतो, आज इस घर का मैं उद्धार करता हूँ। तारण फार महत्वाची गोष्ट, उद्धार बहुत ही महत्व बात है, संपूर्ण कुटुंबाचं तारण झालं, पूरे परिवार का उद्धार हुआ, संपूर्ण कुटुंबात देव आला, पूरे परिवार में परमेश्वर आए, संपूर्ण कुटुंबात देवाचे आशीष आले, पूरे परिवार में परमेश्वर के आशीर्वाद आए, संपूर्ण कुटुंब देवाने आपल्या राज्यात घेतलं, पूरा परिवार परमेश्वर ने अपनी राज्य में ले लिया। लक्षात ठेवा, ध्यान में लाइए, पश्चाताप ही देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी, मन फिराव परमेश्वर की ओर जाने का पहला मार्ग है, आम्हाला पश्चाताप केला पाहिजे, हमें मन फिराव करना है। महत्त्वाची गोष्ट, महत्व की बात यह है, पश्चाताप कसा करता, मन फिराव कैसे करें, जक्के सारखा करतो आम्ही, जक्के जैसा करेंगे, दाऊद सारखा करतो, दाऊद जैसा करेंगे, दाऊद काय म्हणाला, दाऊद क्या कहता है, सूत्र 51 मध्ये पाहतो आम्ही, भजन संहिता 51 में देखते हैं, दाऊद कडून पाप झालं, दाऊद से पाप हुआ, त्याच्याकडून व्यभिचार झाला, उसने व्यभिचार किया, त्याने देवाजवळ बसून कबूली केली, उसने परमेश्वर के सामने कबूली की, हे देवा, हे परमेश्वर, मी तुझ विरुद्ध पाप केले आहे, मैंने तुम्हारे खिलाफ मैंने अपराध किए,
तुझ्या विरुद्ध मी पाप केले आहे, तुम्हारे खिलाफ मैंने अपराध किए, माझ्या पापांची क्षमा कर, मेरे पापों की क्षमा करे। त्यांनी देवासमोर कबूल केलं, उन्होंने परमेश्वर सामने कबूली की, तो देवाजवळ रडला, वो परमेश्वर के सामने रोया, त्यांनी रडून उन्होंने देवाला प्रार्थना केली, उन्होंने रो रो के परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, त्यांनी देवासमोर आपलं पाप कबूल केलं, परमेश्वर के सामने अपने पाप कबूल किए, देवाने त्याला क्षमा केली, परमेश्वर ने उनको क्षमा की, त्यातून देवाने त्याची सुटका केली, उसमें से उसको छुटकारा दिया। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, दाऊद म्हणतो, दाऊद कहता है, स्तोत्र 51:17 मध्ये भजन संहिता 51:17 में, भग्न अनुतप्त हृदय देव तुच्छ मानत नहीं, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर नकारते नहीं। मुझे पश्चाबी हृदय, टूटा हुआ अंतकरण देव तुच्छ मानत नहीं, परमेश्वर उसे स्वीकारते हैं। भग्न अनुतप्त हृदय म्हणजे टूटा हुआ हृदय मतलब पश्चाबी अंतकरण, ये मन फिराव वाला हृदय है, फुटले हृदय, ये फूटा हुआ हृदय है कि ज्यातून आम्ही देवाला सर्व कबूल करतो, जिसमें हम परमेश्वर के सामने सभी बातें कबूल करते हैं, आम्ही देवाकडे क्षमा मागतो, हम परमेश्वर की ओर सभी बातें की क्षमा मागते हैं, आम्ही आमचं अंतकरण देवासमोर ठेवून टाकतो, हम अपना दिल निकाल कर परमेश्वर के सामने रखते हैं, जे झालं ते आम्ही देवाला कबूल करतो, जो बातें अपराध हमने किए वो हम परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं। भग्न अनुतप्त हृदय, ये टूटा हुआ हृदय देव तुच्छ मानत नाही, परमेश्वर उसे कबूल करते हैं। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, होम बलि नको, पशु यज्ञ नको, मुझे कोई भी पशु का बलि नहीं चाहिए, पशुचं यज्ञ नको, होम बलि नको, तर देवाला आवडलं असं म्हणजे भग्न आत्मा देवाला आवडतो, तुटा हुआ हृदय परमेश्वर को पसंद है। देव कोणता अर्पण मागत नाही, परमेश्वर कोई अर्पण नहीं मांगता, देवाला फक्त पश्चापी अंतकरण पाहिजे, परमेश्वर को केवल मन फिराव अंतकरण चाहिए, पश्चापी अंतकरण केला धावा, मन फिराव अंतकरण से की हुई दुहाई देव मान्य करतो, परमेश्वर कबूल करते। देवाने दाऊदला क्षमा केली, परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया, देवाने जक्कला क्षमा केली, परमेश्वर ने जक्के को क्षमा की, मोशेने इस्रायल लोकांसाठी प्रार्थना केली, मूसा ने इस्रायल लोगों के लिए प्रार्थना की, इस्रायल लोकांसाठी त्यांनी पश्चाताप केला, इस्रायलियों के लिए उन्होंने पश्चाताप किया, इस्रायल लोकांना देवाने क्षमा केली, इस्रायल लोगों को परमेश्वर ने क्षमा की, देव क्षमा करण्यास तयार आहे, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तयार है, दयेचा काळ आहे, कृपेचा काळ आहे, ये दया का और कृपा का काल है, आम्ही तारण साधून घेतलं पाहिजे, हमें उद्धार करना आवश्यक है, जीवनामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे, जीवन में सबसे आवश्यक चीज है, आमचं तारण झालं पाहिजे, हमारा उद्धार होना जरूरी है, तारण झालं की नाही आम्हाला समजलं पाहिजे, हमारा उद्धार हुआ है हमें समझना जरूरी है, आमचं तारण झालं की नाही, हमारा उद्धार हुआ या नहीं, खात्री करून घ्या, ये निश्चित होना जरूरी है, तारणा संबंधी खात्री, उद्धार के बारे में निश्चितता देव देतो आम्हाला, ये केवल परमेश्वर हमें देते, ज्या देवाकडे आम्ही प्रार्थना करतो, जिस परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, ज्या देवाकडे आम्ही क्षमा मागतो, जिस परमेश्वर को हम क्षमा मांगते हैं, तो तुम्हाला क्षमा करतो, वो हमें क्षमा करते हैं, तो आम्हाला खात्री देतो, वो हमें निश्चितता देते हैं, जक्कैला खात्री दिली, जक्कै को उन्होंने निश्चितता दी, आज तुझ्या घराचं तारण करतो, आज तुम्हारे घर का मैं उद्धार करता हूँ, दाऊदला खात्री दिली, दाऊद को निश्चितता दी, मी तुझ्या पापाची क्षमा करतो, मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करता हूँ, सर्व लोकांना, सभी लोगों को, बाइबल म्हणजे सर्व सेवकांना, बाइबल में सभी सेवकों को, देवाच्या लोकांना, परमेश्वर के लोगों को, देने खात्री दिली, उन्होंने निश्चितता दी, त्यांना क्षमा केली, उनको क्षमा किया, त्यांना समजलं, उनको समझाया, त्यांना कळालं, उनको समझ आया, देवाने आम्हाला क्षमा केली, परमेश्वर ने हमें क्षमा की है, त्यांनी आनंद केला, उन्होंने आनंद किया, त्यांनी उत्साह केला, उन्होंने उत्साह किया, कशा संबंधी, किस लिए, खात्री, निश्चितता, आमचं तारण झालं की नाही, हमारा उद्धार हुआ या नहीं, इसे हमें खात्री झाली पाहिजे, उसकी हमें निश्चितता करनी जरूरी है। संकटा से समय में देवाचा धावा करतो, संकट के समय हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं, अनेक संकट है, कई सारे संकट है, आता कोरोना व्याधीचं संकट आहे, आज ये कोरोना बीमारी का संकट है, कोरोना व्याधी देव काढून टाकेल, ये कोरोना बीमारी, ये संकट परमेश्वर निकाल देंगे, देवाचं अभिवचन आहे, ये परमेश्वर का वचन है, ये कोरोना व्याधी निघून जाईल, ये बीमारी निकल जाएगी, पण ये पूर्ण जाणार नाही, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं जाएगी, ये राहील, ये कुछ रहेगी, परत परत येईल, ये वापस वापस आएगी, लोकांना जागृत करण, लोगों को जागृत करेगी, देवाकडे जाव आणि देवाचा धावा करा, परमेश्वर की ओर जाए और उसको दुहाई दे, आपला बचाव करा, खुद को बचाए, तारण साधून घ्या, उद्धार कर ले, आज आमचं तारण नाही, आज हमारा उद्धार नहीं हो रहा, काहीच नाही, तो कुछ नहीं, बाइबल सांगतं, बाइबल कहती है, मनुष्य ने जग मिळवलं, मनुष्य ने पूरा संसार जीत लिया, पण आमचं तारण झालं नाही, लेकिन खुद का उद्धार नहीं हुआ, तो काही उपयोग नाही, तो उसका कुछ फायदा नहीं, खात्री करून घ्या, इसे निश्चित होना जरूरी है, आम्ही कोरोना व्याधी नंतर पावसाळा येईल, अभी कोरोना बीमारी के बाद बारिश बरसात का मौसम आएगा, आम्ही पाहतो, हम देखते हैं कि कोरोना व्याधी में लोग भयभीत है, कोरोना बीमारी कारण लोग डरे हुए हैं, पण आता पावसाळ्यामुळे भी लोग भयभीत झाले, लेकिन बारिश बरसात के मौसम के कारण भी लोग और डरेंगे, त्यावेळेस लोकांमध्ये चिंता आहे,
उस वक्त लोगों के मन में चिंता और आएगी, आता पावसाळा पण येईल, अभी बारिश के मौसम भी आएगा। मागील वर्षी पावसाळ्याने हैरान केलं, पिछले साल बरसात ने हमें बहुत तकलीफ दी, पावसाने नुकसान केलं, कई नुकसान हुआ, अनेकांचे घराची दुर्दशा झाली, कई सारे लोगों की बुरी हालत हुई। आता कोरोना व्याधीचं भय, अभी ये कोरोना बीमारी का डर है, पावसाचं भी भय, ये बारिश का भी डर बैठा हुआ। पावसाळा पुढे जाऊ द्या, ये बारिश के मौसम को जाने दो, पावसाची चिंता करू नका, इसकी चिंता आप मत करो। कोरोना व्याधी संबंधी देव ये व्याधी करून टाकेल, कोरोना बीमारी के बारे में जैसा परमेश्वर का ये बीमारी निकाल देंगे। आमची प्रार्थना है, ये हमारी प्रार्थना है, आमची विनंती, ये हमारी विनती है, देह हळूहळू मुक्त करेल, परमेश्वर धीरे धीरे इसमें से हमें मुक्त करेंगे, देशामध्ये विसावा आणेल, इस देश में विश्रांति लाएंगे, विदेशात विसावा आणेल, विदेश में विश्रांति लाएंगे, पण आमचं तारण जाणं फार महत्त्वाची गोष्ट, लेकिन हमारा उद्धार होना जरूरी है, आमचं तारणाची खात्री करून घ्या, उद्धार का उद्धार की निश्चितता होना हमें लक्षात ठेवा, आमची कुटुंबाची फसवणूक झाली, याद रखिए हमारे परिवार की जो हम दूसरे मार्ग पे जो गए थे, तारणानंतर आमची देवाची ओळख झाली, उद्धार के बाद हम परमेश्वर से परिचित हुए, आम्ही ईशूला म्हणतो ईशू आम्ही तुला ओळखतो, हम परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर हम आपको पहचानते हैं, आज ईशू म्हणतो की तू माझा आहे, आज परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे हो, तू हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईन, तू मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तू जाईल तिकडे मी तुझ्यावर राहील, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, योशुआ योशुआ जोशुआ जोशुआ तू मला हाक मार, तू मुझे पुकारो मी जाईल तिकडे तुझ्याबरोबर येईन, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, जी प्रार्थना करंदी ते मी ऐकेल, तुम जो प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा, मी तुझ्याबरोबर राहील, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आज ही खात्री माझ्याकडे, ये निश्चितता मेरे साथ है, आज माझ्या कुटुंबाकडे, ये मेरे परिवार के साथ, आज माझ्याकडे फेलोशिप है, आज मेरे साथ फेलोशिप है, 2000 लोक है, 2000 लोग है, 580 कुटुंब है, 580 परिवार है, त्यांच्याकडे खात्री है, उनके साथ निश्चितता है, ही खात्री मी नाही दिली, ये निश्चितता मैंने नहीं दी, देवाने दिली, ये परमेश्वर ने दी, पवित्र आत्मेने दिली, पवित्र आत्माने दी, पवित्र आत्मेने तारण घोषित केलं, पवित्र आत्माने वो उद्धार घोषित किया है, आज त्यांच्याकडे खात्री है, आज उनके पास निश्चितता है, देव आमच्यावर आहे, परमेश्वर हमारे साथ है, देव आमच्यावर राहतो, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, देव आमची प्रार्थना ऐकतो, आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, आज आम्ही सुरक्षित आहो, आज हम सुरक्षित हैं, आम्हाला कशाची भीती नाहीये, हमें किसी भी बात का डर नहीं, कोणीच आमचं बिघाड करू शकत नाही, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोणी आमच्याकडून काही हिसकावून घेऊ शकत नाही, कोई भी हमसे कुछ छीन नहीं सकते, ही खात्री, ये निश्चितता है, ही मोशेकडे होती, ये मूसा के पास, अब्राहम कडे होती, इब्राहिम के पास, दाऊद कडे होती, दाऊद के पास, पाऊल कडे होती, पाऊल के पास थी, आमच्याकडे भी पाहिजे, ये हमारे पास भी होनी जरूरी है। शैतान फसवणूक करतो, शैतान हमें फसाता है, उभयोग देवाच्या कामाची नकल करतो, वो बिल्कुल एकदम परमेश्वर के कार्य के समान कार्य करता है, तो फसवणूक करतो, वो हमें फसाता है, यासाठी सावधान रहा, इसलिए सावधान रहिए, पावसाळ्याला घाबरू नका, बारिश के मौसम को मत डरिए, कोरोनाला व्याधीला घाबरू नका, कोरोना बीमारी को मत डरिए, देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना करें, मनापासून प्रार्थना करा, अपने पूरे मन से प्रार्थना करें, यानी तारण साधलं साधून घेतलं, जिनका उद्धार हुआ है, त्यांनी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करा, वो और आगे जाने की कोशिश करें, अजून पश्चाताप केला नाही, जिन्होंने मन फिराव जिनका हुआ नहीं, त्यांनी पश्चाताप करून सुरुवात करा, वो मन फिराव करें, देव तारण करेल, परमेश्वर उद्धार करेंगे, देव त्याच्यावर राहील, परमेश्वर उनके साथ रहेंगे, ते सुरक्षित राहतील, वो सुरक्षित रहेंगे, खात्री संपत्ती फार महत्त्वाची गोष्ट, ये निश्चित होना जरूरी है, हे आम्हाला पाहिजे, ये हमें चाहिए, मैं येणाऱ्या पावसाचे देव बघून घेईन, आने वाले बरसात को परमेश्वर देख लेंगे, मागील वर्षी पावसाने धुमाकूळ केला, पिछले साल बरसात ने पूरी तरह से उधम मचाई थी, नुकसान केलं, बहुत नुकसान हुआ, आम्ही देवळी देवाला प्रार्थना केली, हमने वक्त पे परमेश्वर को प्रार्थना केली, आम्ही रोडून देवाचा धावा केला, हमने रो रोकर परमेश्वर को दुहाई दी, फार नुकसान झालं, बहुत नुकसान हुआ, प्रार्थना करत असताना येशू की साला, प्रार्थना करने पर परमेश्वर हमारे पास आए, येशूला आम्ही म्हणालो, परमेश्वर को हमने कहा, ये थांबो प्रभु, परमेश्वर ये रोक दो, ये तूच थांबू शकतो, ये केवल आप ही रोक सकते, कारण पर्जन्यवृष्टी तुझपासूनच होते, क्योंकि ये वृष्टि होती है आपसे ही होती है, तू याला थांबू शकतो, केवल आप ही इसे रोक सकते, आम्ही प्रार्थना केली, हमने प्रार्थना की, मंदिरात बसून आम्ही प्रार्थना केली, हमने मंदिर में बैठ के प्रार्थना, घरात बसून प्रार्थना केली, घर में बैठ के प्रार्थना की, येशू की साला, प्रभु येशू आए, पवित्र आत्मा से तो बोलू लागला, पवित्र आत्मा द्वारा बात करने लगे, तो म्हणला आता मी थांबवतो, अभी मैं वो रोकता हूँ, ये दोन तीन दिवसात मी थांबून टाकल, ये दो तीन दिन बाद रुक जाएगा, आता मी बंद करतो, अभी मैं ये रोक दूंगा, बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, देव आपलं वचन पूर्ण करतो, परमेश्वर अपना वचन पूरा करते, दोन तीन दिवसात देवाने पाऊस बंद केला, दो तीन दिनों में परमेश्वर ने वो बरसात रोक दी, बंद झाला, वो पूरी तरह से बंद हो गई, सर्व गोष्टी सुरळीत झाल्या, सब चीजें एकदम नॉर्मल हो गई, हे वचन है देवस, ये परमेश्वर का वचन है, देव आज भी बोलतो, परमेश्वर आज भी बोलते, देव मुका नहीं है, परमेश्वर गूंगे नहीं, तो जुन्या करात बोलला, वो पुराने पुराने इसमें वचन में उन्होंने कहा, नवीन करार तो बोलतो, नए करार में उन्होंने कहा, तो येशू द्वारे बोलला,
वो यीशु द्वारा बोले, आता तो पवित्र आत्मा बोलतो, आज वो पवित्र आत्मा द्वारा बोलते, तो आमच्याशी बोलतो, वो हमसे बात करते, होणार गोष्टी विदित करतो, वो होने वाली बातें बोलते, आम्हाला सावधान करतो, वो हमें सावधान करते, तो आम्हाला खात्री देतो, वो हमें निश्चित करते, मी तुझा देव, तू माझा पुत्र आहे, मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे पुत्र हो, खात्री पाहिजे, ये निश्चितता होनी जरूरी है, लक्षात ठेवा, इसलिए याद रखिए, खात्री संपत्ति प्राप्त करा, निश्चित होना जरूरी है। हम प्रार्थना करते, उपवास करते, दान धर्म करते, देव मान्य करते का? हम प्रार्थना करते हैं, दान धर्म करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन परमेश्वर ये मान्य करते हैं क्या? खात्री करा, ये निश्चित कर ले, फसवणूक करू नका, ये खुद को मत फसाए, लक्षात ठेवा, याद रखिए, ध्यानात ठेवा, ध्यान रखिए, स्मरणात ठेवा, स्मरण कीजिए। एक अनुभव मी सांगतो तुम्हाला, एक अनुभव में आपसे, एक स्त्री होती, एक स्त्री थी, नियमित चर्चला जायची, वो नियमित चर्चा, लहान लेकर चर्चला जायची, वो अपने बच्चों के साथ चर्चा, 6-6 महीने ती आजारी पड़ायची, वो 6-6 महीने बाद बीमार पड़ती थी, आजारी सारखी पड़ायची, वो बार बार बीमार पड़ती, त्यामुळे तिचं काम धंदा सर्व बंद होतं, इसलिए उसका कामकाज बंद पड़ गया, कुटुंब विस्कळीत झालं होतं, उसका परिवार बिछड़ गया, अशा कुटुंबाची माझी मुलाकात झाली, ऐसी स्त्री से मेरी मुलाकात हुई, ती मंदिरात आली, वो मंदिर में आई, तिने आपली समस्या सांगितलं, उसने अपनी समस्या मेरे सामने, तिला म्हटलं दर मंगळवारी उपासनेमध्ये तू ये, मैंने उनसे कहा कि हर मंगलवार आप उपासना में आओ, 7-9 उपासना चालू असते, 7-9 ये उपासना चालू रहती है, ये आप उसमें आइए, अपन पाहूया, हम देखेंगे, देव तुझे संबंधी काय बोलते, परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं, दर मंगळवारी येऊ लागली, वो वक्त वक्त पे मंगलवार के दिन आने लगी, देवाचं त्यांनी शिक्षण घेतलं, परमेश्वर का शिक्षण उन्होंने लिया, पश्चापच्या प्रार्थनेमध्ये तिला घेऊन गेलो, पश्चाप जो मन फिराव की प्रार्थना थी मैं उनमें उनको लेके गया, पश्चापची प्रार्थना मी सुरू केली, मैंने मन फिराव की प्रार्थना शुरू की, 10 दिवसाची मीटिंग होती, 10 दिन की जो हमारी प्रार्थना थी, रोज प्रार्थना कर पश्चाप करू लागली, हम रोज मन फिराव की प्रार्थना करने लगे, 5व्या 6व्या दिवशी 5व्या 6व्या दिन ती घरात बसले असताना, वो घर में बैठे थी, तब सकाळच्या प्रहरी, सुबह सुबह, पहाटेच्या वेळीस, एकदम सुबह, कोणीतरी जे दार ठोकलं, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया, सकाळी 4च्या दरम्यान कोणीतरी दार ठोकलं, सुबह के वक्त सवेरे 4 बजे उसका किसी ने दरवाजा खटखटाया, त्यावेळेस तिने दार उघडलं, जैसे उसने दरवाजा खोला, पांढरे वस्त्र परिधान केलेला एक पुरुष त्यासमोर उभा राहिला, पुरे सफेद कपड़ों में, शुभ्र कपड़ों में एक पुरुष उसके सामने खड़ा था, पांडे वस्त्र देवदूत सारखा एक पुरुष उभा राहिला, वो परमेश्वर के दूत समान उसके द्वार पे वो खड़ा था, तो त्याशी बोलू लागला, वो उससे बात करने लगा, तो त्याशी बोलला, वो स्त्री से बोला, बस कर तेरी दुआ खुदा ने कबूल की लिए, बस करो तुम्हारी दुआ परमेश्वर ने कबूल कर दी, परमेश्वर ने तेरा उद्धार किया है, परमेश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया है, ये बस कर अभी, अभी बस करो, ये बंद कर अभी, ये बंद कर दो, लक्षात ठेवा, याद रखिए, 10 दिवसाची मीटिंग मध्ये 6व्या दिवशी तो ते अशी बोलला, 10 दिन की जो प्रार्थना थी उसमें 6वें दिन वो दूत, उस दूत के रूप में आके उससे आके बात की, तिने मला सांगितलं, वो स्त्री ने आके मुझे बताया, 7व्या दिवशी मीटिंग मध्ये तिने सांगितलं, 7वें दिन आके उसने मुझे बताया, ती म्हणाली देव मला भेटला, उन्होंने कहा कि परमेश्वर का दूत मुझे आके मिला, मी पश्चाताप करते, मैं पश्चाताप कर रही, देवाला क्षमा मागते, मैं परमेश्वर को क्षमा मांग रही, आज सकाळी 4 वाजता सवेरे 4 बजे देवाने मला दर्शन दिलं, परमेश्वर के दूत ने मुझे दर्शन दिया, देवाने माझ्याशी बातचीत केली, परमेश्वर के दूत ने मुझसे बातचीत की, बस कर तेरी दुआ खुदा ने कबूल केली, बस कर तुम्हारी दुआ परमेश्वर ने कबूल कर, तेरा उद्धार व्हायला आहे, तुम्हारा उद्धार हो गया, ये बंद कर, ये बंद कर दो, तिने मला सांगितलं, उन्होंने मुझे बताया, मला फार आश्चर्य वाटलं, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ठीक है अपन चालू ठेवू, मैंने कहा ठीक है फिर हम चालू रखेंगे, 7व्या दिवशी प्रार्थना चालू केली, हमने 7वें दिन की भी प्रार्थना चालू की, सर्वांसाठी प्रार्थना करत होतो, मैं सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था, त्यावेळेस सिस्टरची मला आठवण आली, तब मुझे वो सिस्टर की याद आई, त्यावेळेस मी येशूला प्रार्थना केली, तब मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की, प्रभू येशू सकाळी 4 वाजता सभे 4 बजे बस कर तेरी दुआ कबूल केली, बस कर तुम्हारी दुआ कबूल की, तेरा उद्धार व्हायला, तुम्हारा उद्धार हुआ, हे तिला कोणी सांगितलं, ये स्त्री को किसने बताया, प्रभु तू सांगितलं का, प्रभु येशु आपने बताया क्या, तिला खात्री दिली का, आपने इसको निश्चितता दी, येशु किस काय म्हणाला, प्रभु येशु ने मुझे क्या कहा, येशु म्हणाला, येशु ने कहा, ह्या स्त्रीला मी ओळखत नाही, ये स्त्री को मैं पहचानता नहीं, अजून मी हिला क्षमा केली नाही, अभी तक मैंने इसको क्षमा नहीं की, अजून मी हिचा उद्धार केलाच नाही, अभी तक मैंने इसको उद्धार नहीं किया, अजून ती पश्चाताप करते, अभी तक ये मन फिराव कर रही है, अजून तिला पश्चातापची गरज आहे, अभी और इसको मन फिराव की जरूरत है, अजून प्रार्थनेची गरज आहे, और प्रार्थना की जरूरत है, सकाळी 4 वाजता मी आलोच नाही, सवेरे 4 बजे मैं गया नहीं, कोण आला, कोण था, प्रश्न आहे, येशूने सांगितलं, प्रभू येशूने कहा, धर त्याला, पकड़ो उसे, शैतान तिची फसवणूक करतो, शैतान उसे फसा रहा है, शैतान पहनाव करता, बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, दुसरे करंथी 11:14 शैतान पहराव करतो, शैतान पहनावा लेता है, रूप धारण करतो, वो रूप का धारण करता है, देवाचा काम नकल करतो, वो हुबेहू परमेश्वर की नकल करता है, पहराव केला, उसने पहनाव किया, सकाळी जाऊन त्याने सांगितलं की तुझं तारण झालं,
सवेरे जाके उसने औरत को कहा तुम्हारा उद्धार हुआ। तेजी प्रार्थना तो बंद कर लगा होता, वो औरत की प्रार्थना बंद करने की कोशिश कारण तेजा घर तो रात होता, क्योंकि वो उस औरत के घर में रहता था, तेजा शरत रात होता, उसके शरीर में रहता था, तो तिला विरुद्ध आजारी पड़ होता, वो वक्त वक्त उसको बीमार करता था, अनेक आजार ने तिला पीड़ल होता, कई सारे बीमारी ने उसे जकड़ रखा था, माहित होते की पश्चाताप केला मला हे शरीर सोडायला लागन, उसको पता था कि अगर इसका मन फिरा हुआ तो ये शरीर उसे छोड़ना पड़ेगा, यीशु तिचं तारण करन, प्रभु यीशु उसका उद्धार करेंगे, रुकावट आणली, वो उसे रोक रहा था, तेजी प्रार्थना बंद कर लावली, उसकी प्रार्थना बंद करने की कोशिश कर रहा था, पण मी तिला जागृत केलं, लेकिन मैंने उसे जागृत किया, शैतान फसवतो, शैतान तुम्हें फसा रहा है, यीशु के नाम से धमकावलं, यीशु के नाम से उसे धमकाया, तो सोडून गेला, वो तभी छोड़ दिया, तिने प्रार्थना केली, उसने प्रार्थना की, सर्व कार्य दिवस तिने प्रार्थना केली, पूरे कार्य उसने पूरे दिन प्रार्थना की, देवाने तिला क्षमा केली, परमेश्वर ने क्षमा की, देवाने तिला तारण केलं, परमेश्वर ने उनका उद्धार किया, यीशु म्हणला मी तिला आता ओळखतो, परमेश्वर ने कहा कि अब मैं ये स्त्री को पहचानता हूँ, माझी आता, अब ये मेरी है, तिला कोणी हात लावू शकत नाही, आता कोई नहीं छू सकता, शैतान निघून गेला, शैतान निकल जा चुका, ही खात्री, ये खात्री है, ये संपत्ति है, ये निश्चितता है, शैतान दिशाभूल करतो, शैतान हमें किसी और मार्ग पे ले जाता करतो, है, हमें फंसाता है, बाइबल अनुसार फसवणूक करतो, बाइबल बाइबल दिखा के हमें फंसाता है, जागृत हुआ, जागृत होइए, सावधान हुआ, सावधान रहिए, देवाला ओळखा, परमेश्वर को पहचान, ओळखा, परमेश्वर के वचन को पहचान, तारण साधून घ्या, हमें उद्धार करना जरूरी है, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, ये वेळ हा समय, ये वक्त, ये समय, हाथ तारना समय, ये उद्धार का समय, घर बसून पश्चाताप करा, घर में बैठ के पश्चाताप कीजिए, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, सबसे जरूरी बात, मी पुढच्या बुधवारी तुम्हाला काही गोष्टी शिकवेल, मैं अगले बुधवार कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा, लक्षात ठेवा मी चार पांच वेळा दर बुधवारी तुमच्याकडे टप्प्याटप्प्याने आलोय, मैं वक्त वक्त पे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ बुधवार के दिन आके सर्व विषय धरून, एक सर्व विषयाला धरून मीच बोलतो, मैं जो भी सिखाता हूँ वो पिछले बातें पकड़ के आगे मैं चलता हूँ, हमारे जीवन संबंधी आवश्यक है, हमारे कुटुंब संबंधी आवश्यक है, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए जो चीज आवश्यक है, माझा मागील संदेश भी पहा, मेरा पिछला सुसमाचार देखिए, जे संदेश जे यूट्यूब मध्ये आणि फेसबुक मध्ये आम्ही प्रस्थापित करता आहो, जो यूट्यूब और फेसबुक पे हमने जो संदेश सुसमाचार परमेश्वर का सुनाया है, फेसबुक आणि यूट्यूब मध्ये आम्ही टाकतो, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा हम सुसमाचार सुनाते हैं, सर्वांना ते भेटावे आमची इच्छा आहे, सभी को सुसमाचार सभी तक पहुंचे हमारी अनेक लोग साथ देत आहे, कई सारे लोग हमें साथ दे रहे हैं, अनेक लोग शेयर करत आहे, कई सारे लोग शेयर कर रहे हैं, गावातून अनेक राज्यात गेले, गाव में अनेक राज्य में गया, अनेक ठिकाणी पसरलं, कई अनेक जगह पे, बाहेर देशात भी पोहोचलं झालं, विदेश में भी ये पहुंच गया, लोग शेयर करते त्यांचा मी देवाच्या मध्ये धन्यवाद करता हूं, जो लोग शेयर कर रहे हैं हम परमेश्वर के नाम में उनका धन्यवाद करते हैं, लोकांपर्यंत हे पोस्ट झालं पाहिजे, और लोगों को तो हमें पहुंचाना है, म्हणून लक्षात ठेवा, इसलिए याद रखिए, माझा सर्व संदेश, मेरे सभी सुसमाचार, मागील संदेश भी मनन करा, पिछला सुसमाचार भी आप वो मनन करें, हा हे वेळ हा समय कोरोना व्याधीचा आहे, ये समय, ये जो वक्त है, ये कोरोना बीमारी का अंतिम समय नहीं है, ये अंतिम वक्त नहीं है, हाँ तारणाचा समय, ये उद्धार का समय, देवाकडे जाऊन पश्चाताप करण्याचा समय, ये परमेश्वर की ओर जाके उद्धार करने, देवाचा दावा करण्याचा समय, ये परमेश्वर को दुहाई देने का समय है, संपूर्ण कुटुंबांनी तारण साधून घ्या, पूरे परिवार ये अपना उद्धार करा ले, आमचं कुटुंब पृथ्वीवर आहे, हमारा परिवार आज पृथ्वी पे, हेच कुटुंब स्वर्गात भी पाहिजे, यही परिवार हमारा स्वर्ग में भी रहे, धावा करा, ये दुहाई करो, सर्वजण घरात बसून प्रार्थना करा, सभी लोग घर में बैठ के प्रार्थना करें, दाऊद सारखा पश्चाताप करा, दाऊद जैसा पश्चाताप करें, देव भेटेल, परमेश्वर मिलेंगे, भेटने का समय, ये मिलने का समय है, माझा सर्व संदेश नीट ऐका, मेरे सारे सुसमाचार आप ठीक से सुने, मनन करा, उसको मनन करें, यूट्यूब मध्ये, यूट्यूब में है, फेसबुक मध्ये, फेसबुक में है, परत ऐका, वो बार बार सुनते रहिए, माझी इच्छा नाही सांगत मी तुम्हाला, ये मेरी इच्छा नहीं बोल रहा, माझं मत नाही मी ठेवलं तुमच्या समोर, मैं अपनी इच्छा अपने सामने नहीं प्रकट करा, या कोरोना व्याधीत देवाचं मत काय, ये कोरोना बीमारी में परमेश्वर अपना क्या इच्छा व्यतीत करना चाहते हैं, हे तुम्हाला मी सांगितलं, ये मैं आप बताने बताता हूं, मला सांगितलं, येशू ने मुझे बताया, येशू ने मला फेसबुक वर आणलं, येशू ने मुझे फेसबुक पे लाया, तो मला संदेश दे, उन्होंने कहा मेरा सुसमाचार सुनाओ, हिम्मत दे, हिम्मत दो, धैर्य दे, धीरज दो, प्रार्थना कर, प्रार्थना करो, लोकांना जागृत कर, लोगों को जागृत करो, धारणा पण लोकांना घेऊन ये, उद्धार तक उनको लेके आओ, मी लोकांना भेटेल, मैं लोगों को मिलूंगा, लोकांचा उद्धार करेन, लोगों का मैं उद्धार करूंगा, लोकांना सुरक्षित ठेवेल, लोगों को मैं सुरक्षित रखूंगा, मनन करा, इसलिए इसका अध्ययन करें, सर्व संदेशाचं मनन करा, ये सभी सुसमाचार आप मनन करें, जो वेळ देतो जो समय देतो तो देवाच्या वतीने देतो, क्योंकि जो समय और जो वक्त है ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ समय, मी स्वतःहून पुढे आलो नाही, मैं खुद से आपको नहीं बोलता, माझा टेका देव आहे, मेरा आधार स्तंभ परमेश्वर, देवाने मला पुढे आणलेले, परमेश्वर ने मुझे आगे लाया, तो म्हणला तू बोल, परमेश्वर का तुम बोलो, मी काम करेल, मैं कार्य करूंगा, ही संधी साधून घ्या, ये अवसर का हम फायदा उठाए, संदेश नीट आहे का, सुसमाचार ठीक से सुने, तारणा संबंधी खात्री घ्या, और
उद्धार के बारे में निश्चित हो, प्राप्त केला सं चांगली गोष्ट त्या तो वाढत चला, आपका उद्धार हुआ है बहुत अच्छी बात है, उसमें आप बढ़े। ठीक है, आपले सर्वांची उपस्थिती पुन्हा एकदा मी धन्यवाद करतो, आपकी सभी की उपस्थिति के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, सर्वांची प्रशंसा करतो, मैं सभी की प्रशंसा करता हूं। आणि महत्त्वाचा भाग हा आहे की, जरूरी बात यह है कि पुन्हा एक मी पुढच्या बुधवारी येईन, मैं अगले बुधवार फिर आके मिलूंगा, देव जो सांगतो ते तुमच्या समोर ठेवतो, परमेश्वर जो मुझे बताते हैं मैं आपके सामने आज जो वस्तुस्थिति अनुसार देव बोलतो, आज की परिस्थिति अनुसार मैं बात करता हूं, ते तुमच्या समोर ठेवतो, वही मैं आपके सामने रखता हूं। मला काय समजत नाही, मुझे नहीं समझ आता, देवाला जे समजते तो मला सांगतो, मी तुम्हाला सांगतो, जो बातें परमेश्वर मुझे सिखाते हैं वो मैं आपके आगे आके रखता हूं। अनुभव घ्या, अनुभव लीजिए, प्राप्त करा, प्राप्त कीजिए, मृत्यूच्या अगोदर तारण झालं पाहिजे, मौत के पहले उद्धार होना जरूरी है, मृत्यु केव्हा पण येईल, मौत कभी भी आएगी, बघा मृत्यु कधी येतो, देखिए मौत कब आएगी, लहानपणी, बचपन में, तरुणपणी, हमारे जवानी में, प्रौढपणी, बुढ़ापे में, वृद्धकाळ भी, और बुढ़ापे में, मृत्यूचा समय गुप्त है, मौत का समय ये गुप्त है, कभी मृत्यु शकतो, ये कभी भी आ सकती है, देवाची इच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, मृत्यूच्या अगोदर तारण प्राप्त करून घ्या, मौत के पहले उद्धार प्राप्त कर ले, मृत्यु कभी येऊ शकतो, मौत कभी भी आ सकती है, तारण साधून घ्या, उद्धार प्राप्त कर ले, देवावर चाला, परमेश्वर के साथ चले, देवाच्या पुस्तकात नोंदणी होऊ द्या, जीवन की जो पुस्तक में उसका नाम लिखवा है, आमच्या चर्च रजिस्टर मध्ये आमचं नाव आहे, चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम है, देवाच्या रजिस्टर मध्ये आमचं नाव पाहिजे, स्वर्ग के रजिस्टर में हमारे नाम होना चाहिए, देव स्मरण करतो, आठवण करतो, परमेश्वर हमें याद करते हैं, यासाठी तयारी ठेवा, इसलिए तयारी रखे, पुन्हा एक वेळ संदेश मनन करा, इसलिए बार बार वो जो मेरा सुसमाचार है आप उसका मनन करें, आज आमची आज मेरी इच्छा है, इच्छा है लॉकडाउन उठा, ये लॉकडाउन जे उठ जाए, प्रार्थना स्थल उघडावे, प्रार्थना स्थल चालू हो, सर्व मंडळी एकत्र यावा, पूरी मंडळी एक साथ आए, एकत्र येण्याची आमची फार उत्कंठा आहे, एकजुट होने की हमारी बहुत इच्छा है, मंडळीला भेटण्याविषयी फार आम्ही आनंदी आहो, मंडळी को मिलने के लिए हम बहुत आनंद और उत्सुक है, तीव्र इच्छा है आमची भेटावी, या हमारी तीव्र इच्छा है, अनेक लोक व्याकुळ आहे, कई सारे लोग इसके लिए व्याकुल है कि मंदिरात कधी जाऊ, हम परमेश्वर के मंदिर में कब कसम एक मंगला भेटू, हम किस तरह से एक दूसरे को मिले, सर एक मंगला सं कशी स्तुती करूं, हम एक एकजुट होकर कैसे परमेश्वर की स्तुति करें, कसे देवाला एक मित्र एकत्र प्रार्थना करूं, हम किस तरह से आके परमेश्वर को एक साथ प्रार्थना करेंगे, इसलिए हम विनंती देवाला, इसलिए आज हम परमेश्वर को विनती करते हैं, ये लॉकडाउन उठो, ये लॉकडाउन उठाइए, कोरोना व्याधितून देशाला मुक्त कर, कोरोना बीमारी से इस देश को मुक्त करें, प्रार्थना स्थल उघड, प्रार्थना स्थल खोलिए, बंधुओं से एकत्र मिलने अगत्य से यासाठी तू ते उघड, बंधुओं का एकजुट होके आके मिलना ये बहुत ही महत्व है, यासाठी तू प्रार्थना स्थल उघड, इसलिए आप प्रार्थना स्थल खोलिए, सर्व धर्माचे प्रार्थना स्थल उघड, सभी धर्म के प्रार्थना स्थल आप खोलिए, ही देवाला आमची प्रार्थना है, ये परमेश्वर को हमारी प्रार्थना, देवा ऐकतो, परमेश्वर सुनते हैं, देवा सर्व धन्यवाद करतो, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद, चला आज आम्ही देवाकडे जाऊ, चलो हम परमेश्वर की ओर जाए, आज देवाकडे पश्चाताप करू, हम परमेश्वर को पश्चाताप करें, विनंती करूया, हम उनको विनती करेंगे, चला आपण सर्वजण देवाच्या चरणी जाऊया, चलो हम परमेश्वर के चरणों में जाके प्रार्थना करेंगे, देवाचा धावा करूया, परमेश्वर को दुहाई करेंगे, देवाला विनंती करूया, परमेश्वर को विनती करेंगे, स्तुतिस पात्र सन्मानास योग्य, स्तुति के काबिल सम्मान की योग्य काबिल प्रभु परमेश्वरा, प्रभु परमेश्वर पुन्हा एकदा मी धन्यवाद करतो, नावाचा महिमा करतो, फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तुझा गौरव करतो, आपका गौरव करते हैं, तुझी स्तुति करतो, आपकी स्तुति करते हैं, तुझी दया तुझी कृपा बदला मी आभार मानतो, आपकी दया और आपकी कृपा के लिए हम आभार मानते हैं, प्रतिदिवशी आम तो सांभाळ करतो, हर दिन हम आप हमारा संभालते हैं, संगोपन करतो, हमें आप संभालते हैं, आम्हाला पुरवठा करतो, हमें सभी चीजें देते हैं, त्याबद्दल आम्ही आभार मानतो, इसलिए हम आपका आभार, प्रभु आज जे काय आम्ही आहे परमेश्वर, प्रभु येशू आज हम जो भी है तुझ्यामुळे सुरक्षित आहे परमेश्वर, हम आपकी वजह से सुरक्षित है, कारण उत्तम ते तुझपासून आहे, क्योंकि उत्तम ही आपसे प्राप्त होता है, ते उत्तम तू आम्हाला दिलं त्याबद्दल धन्यवाद करतो, और जो उत्तम चीजें आपने हमें दी इसलिए हम आपका धन्यवाद, प्रभु आज तुझ्या वचनाने आम्ही बोध केला, परमेश्वर आज जो हमने वचन से आपके वचन द्वारा सीखा, हा संदेश सर्वांना पोहोचतो व्हावा, ये संदेश ये सुसमाचार कई लोगों तक पहुंचे, मग तुझी कृपा दृष्टी वाढव परमेश्वर, इसलिए अपनी कृपा बढ़ाए परमेश्वर, ज्यांना गरज आहे, ज्यांना आवश्यकता है, जिन लोगों को जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, जे भुकेले ताणेले, जो भूख से और प्यास से व्याकुल है, जन्ना तृप्त करना तू दे, उनको तृप्त करने वाले परमेश्वर आप हे वचन त्यांच्यावर पोहोचू दे परमेश्वर, ये वचन आप उन तक पहुंचाए परमेश्वर, हा संदेश त्यांच्यावर पोहोचू कर परमेश्वर, ये सुसमाचार आप उन तक पहुंचाए, लोकांनी उठून तुझा पश्चाताप करा, लोग आपका पश्चाताप करें, यासाठी लोकांना जागृत कर परमेश्वर, इसलिए लोगों को आप जागृत करें, पश्चाताप ही देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी आहे परमेश्वर, मन फिराव ये परमेश्वर की ओर जाने की पहली पायरी है, जर आम्ही पश्चाताप केलाच नाही, अगर हमने मन फिराव किया नहीं तर आम्ही नाश पाऊ,
तो हमारा नाश होगा। हे तुझे वचन है परमेश्वर, यह आपका वचन है। मास पुनः करो आम्ही पाहा मर तुझकडे येतो परमेश्वर, इसलिए आज फिर एक बार हम आपकी ओर आते हैं। आम्ही भी आमचा पश्चाताप सादर करतो परमेश्वर, अपना भी पश्चाताप आपकी ओर लाके रखते हैं। मी पामर, मैं मंडळी, मंडळी आज सर्व उपस्थित लोक और ये सभी उपस्थित लोग सर्व देवाकडे जातो परमेश्वर। हम परमेश्वर आपकी ओर आते हैं, आम्ही देवाचा धावा करतो परमेश्वर, हम आपको दुहाई करते हैं। हे देवा, हे परमेश्वर, आम्ही जे तुझ विरुद्ध, हमने आपके खिलाफ, तुझ विरुद्ध आपके खिलाफ जे पाप केले, जो पाप पाप किए तेजे आम्हाला क्षमा कर, उसकी आप हमें क्षमा करें। आम्ही एकमेक विरुद्ध, हमने एक दूसरे के खिलाफ जे पाप केले, जो पाप किए तेजे आम्हाला क्षमा कर, उसकी आप हमें क्षमा करें। आमचा उद्धार कर, आप हमारा उद्धार करें। आमचा तारण कर, आप हमारा तारण करें। आम्हाला आशीष दे, हमको आप आशीष दे। जे लोग भुकेले ताणेले परमेश्वर, जो परमेश्वर जो लोग भूखे हैं, जो प्यासे व्याकुल हैं, त्यांचा उद्धार कर परमेश्वर, आप उसका उद्धार करें। म्हणून प्रभु कार्य कर परमेश्वर, इसलिए प्रभु परमेश्वर कार्य करें। आम्हाला भी क्षमा कर परमेश्वर, आप हमें क्षमा करें। और अधिक आप हमारे कार्य और सेवा के लिए हमें लायक बनाए। अनेक समस्या, अनेक प्रश्न है परमेश्वर, अनेक समस्या हमारे सामने है परमेश्वर। अनेक मंडली की कार्य चिंता है परमेश्वर, मंडली के कई सारे समस्या है परमेश्वर। अनेक जन आजारी है परमेश्वर, कई सारे लोग जो बीमार है। प्रभु यीशु त्यातून त्यांना मुक्त कर परमेश्वर। प्रभु यीशु आप उनको उनसे आप मुक्त करें। त्यांना सुरक्षित ठेव परमेश्वर, आप उनको सुरक्षित रखें। त्यांना आशीष दे परमेश्वर, आप उनको आशीष दे। त्यांना हिम्मत दे, धैर्य दे परमेश्वर, आप उनको हिम्मत और धीरज दे। विशेष करून आज आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर, विशेष आज हम प्रार्थना करते हैं। तू म्हणाला कसला घाबरू नका, आप कहते हैं किसी से भी मत डरिए, कशाची चिंता करू नका, किसी भी बात की चिंता ना करें। मी आहे, मैं हूँ, मैं प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु तुला प्रार्थना करतो परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। लॉकडाउन उठो परमेश्वर, ये लॉकडाउन आप उठाएं। प्रार्थना स्थल उघडे परमेश्वर, प्रार्थना स्थल खोलें। ये कोरोना व्याधि, ये कोरोना बीमारी प्रभु या देशातून मुक्त कर परमेश्वर, इस देश से आप मुक्त करें। डॉक्टर शो उपचार मध्ये यश दे परमेश्वर, डॉक्टर के इलाज को आप यश दे परमेश्वर। त्यांना औषध दे परमेश्वर, आप उन्हें दवाई दे। तो औषध दे दे परमेश्वर, आप उनको दवाई देंगे। औषध शोध लागो दे परमेश्वर, आप दवाई का निर्यात करेंगे। कारण तू दयालु देव परमेश्वर, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर। धन्यवाद करतो परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तुझे आभार मानतो परमेश्वर, आपका आभार मानते हैं। कोरोना व्याधि देशातून विदेशातून दूर कर परमेश्वर, ये कोरोना बीमारी इस देश से और विदेश से आप मुक्त करें। ये देशावर विश्रांति परमेश्वर, इस देश में आप विश्रांति लाएं। या संकटातून देशाला वाचव परमेश्वर, इस संकट से आप देश को बचाएं। विदेशाला वाचव परमेश्वर, विदेश को बचाएं। ये देशाला सुरक्षित कर परमेश्वर, देश को सुरक्षित रखें। ये देशाची सर्व गोष्टी सुरळीत होऊ दे परमेश्वर, इस देश की सभी चीजें आप ठीक करें। और लोकांचा बचाव कर, और लोगों को बचाए, और लोकांमध्ये एक स्थिरता आण परमेश्वर, और लोगों को स्थिर करें। ये सर्व नष्ट कर परमेश्वर, ये सब आप नष्ट कीजिए। तुझी कृपान, आपकी कृपा बढ़ाई। तुझी ओळखान, आपकी पहचान। परमेश्वर किती चांगल्याचा अनुभव आण, परमेश्वर कितना अच्छा है, ये लोगों को परिचय दे। ये सर्व प्रार्थना, ये सभी प्रार्थना हम नम्रतेने तुझकडे करतो, हम नम्र लीन होके आपसे करतो। प्रभु येशूच्या नावात मागतो, प्रभु येशू के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। ठीक आहे, जाते समय शेवटचं 2 मिनिट की सत्यदेव जीवन मंडळी फेलोशिप एरडा भागात कार्य करत आहे। जाने से पहले 2 मिनट आपसे बात करता हूँ कि जो सत्य की जीवन मंडली है येरोड़ा विभाग में जो है, कोरोना व्याधि ही नष्ट होना, कोरोना बीमारी ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। प्रार्थना स्थल देव उड़ेल, प्रार्थना स्थल परमेश्वर हमारे लिए खोलेंगे। लॉकडाउन उड़ेल, लॉकडाउन खुल जाएगा। हळूहळू सर्व निवारण होईल, धीरे धीरे सब चीज का निवारण होगा। आह्वान करतो, लोकांना आमंत्रित करतो, हम लोगों को आमंत्रित करते हैं कि सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप म्हणजे संजय ठाकुर मिनिस्ट्री, सत्य की जीवन मंडली मतलब संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, आम्ही लोकांना आमंत्रित करतो। हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। दुखी जे कष्टी जे आधार जे बंधनात आहे, जो लोग दुखी है, तकलीफ में है, बंधन में है, बीमारियों में है, दर मंगलवारी, हर मंगलवार पुणे भागात, पुणे विभाग में, येरोडा भागात, येरोडा विभाग में, नवी खडकी मध्ये, नवी खडकी में, 7 ते 9, 7 से 9 दर मंगलवारी, हर मंगलवार आम्ही लोकांसाठी प्रार्थना घेत करतो। हम लोगों के साथ, नए लोगों के साथ हम इसमें प्रार्थना करते हैं। लोकांना शिक्षण देतो, हम नए लोगों को इसमें शिक्षित देते हैं। लोकांना देवाविषयी मार्गदर्शन करतो, हम लोगों को परमेश्वर का मार्गदर्शन देते हैं। लोकांचं तारण कसं यासाठी आम्ही खटपट करतो, लोगों का उद्धार कैसे हो इसलिए हम खटपट करते हैं। लोकांना मुक्ति कशी मिळेल यासाठी आम्ही खटपट करतो, लोगों को सभी चीजों से मुक्ति कैसे मिले इसलिए हम खटपट करते हैं। 580 कुटुंब त्यांनी वाचवली, 580 परिवार उन्होंने बचाए, अजून कुटुंब वाचवले देवाची इच्छा आहे, और भी परिवार बचाए परमेश्वर की इच्छा है। यासाठी आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला आमंत्रण देतो, इसलिए मैं परमेश्वर की ओर से आप सभी को आमंत्रित करतो। सर्वांनी याव, आप सभी आए। ही फेलोशिप है, ये फेलोशिप है, लक्षात ठेवा, याद रखिए, ही फेलोशिप है, ये फेलोशिप है, चर्च नाही, ये चर्च नहीं। माझ्याकडे जेवढे मेंबर आहे, मेरे पास जितने भी मेंबर हैं, सर्व सभासद है, जो सभासद है, मी कोणाची चर्च ची मोडतोड करत नाही, मैं किसी की भी चर्च की मोडतोड नहीं करता। प्रत्येक जन आप अपने चर्च ला एकनिष्ठ राहावा, सभी लोग अपने अपने चर्च जा सकते हैं। दर रविवारी अपने चर्च ला जावा, हर रविवार अपने चर्च जा सकते हैं। अपने पास्टर सृष्टी एकनिष्ठ राहावा, अपने पास्टर के साथ आप एकनिष्ठ हो सकते हैं। चर्च मध्ये दिलेला
नियमाचं पालन करा. चर्च के सभी नियमों का पालन करें. आम्ही चर्च मोडतोड करत नाही. हम चर्च की मोडतोड नहीं करते. एक फेलोशिप आहे. ये फेलोशिप है. ये फेलोशिप मध्ये या. इस फेलोशिप में आप आइए. देवाने मला अनुभव दिला. परमेश्वर ने मुझे अनुभव दिया. माझं घर वाचलं. मेरा परिवार बचाया. 2000 कुटुंब वाचले. 2000 लोग बचाए. तुम्हाला भी अनुभव देईन. आपको भी अनुभव देंगे. तुम्ही या. आप भी आइए. आम्ही आमंत्रित करतो. हम आपको आमंत्रित करते हैं. देव बोलतो. परमेश्वर बुलाते हैं. वेळ संधी. ये वक्त है. ये समय है. संधीचा सदुपयोग करा. इस समय का फायदा उठाएं. परत सांगतो. वापस बोलता हूँ. आम्ही चर्च मोडतोड करत नाही. हम चर्च की मोडतोड नहीं करते. आमची फेलोशिप आहे. ये फेलोशिप है. प्रत्येक जण आपल्या चर्चशी निगडीत राहावा. सभी लोग अपने चर्च के साथ रहे. चर्च स्थिर रहा. आप चर्च से एक स्थिर में स्थिर रहे. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. पुढच्या बुधवारी पुन्हा भेटू. अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद. यीशू तू है तेरी जय तेरी जय तेरी जय. यीशू तू है.